यस सो वेलकम एवरीबॉडी। तो एथिकल हैकिंग बेसिकली क्या होती है, तो वहीं से शुरू करेंगे। तो मेनी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैव रिजल्टेड फ्रॉम द इंटरनेट्स एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन। बेसिकली हर जगह इंटरनेट फैल चुका है आजकल। हम लोग जो है लैपटॉप्स और मोबाइल्स के अलावा और भी सारी चीजें हैं, आपके वॉचेज हैं जो स्मार्ट वॉचेज होती हैं जिसमें इंटरनेट कनेक्टेड रहता है, हमारे घर में बल्ब होते हैं, स्पीकर होता है जिससे आप बात कर सकते हो जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। एवरीथिंग दीज डेज इज स्मार्ट, राइट? तो जब इतनी सारी चीजें इंटरनेट से कनेक्ट होती जा रही है, नेटवर्क पे ऑपरेट कर रही हैं, तो फिर यहाँ पे एक जो अटैक सरफेस हम लोग कहते हैं जिसको, वो भी बढ़ जाता है। तो जो हैकर जिस पे अटैक कर सकता है, बेसिकली हम लोग को, जो हम लोग एथिकल हैकिंग की बात करते हैं, तो हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डेटा होता है। डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे उसको हम लोग को प्राइवेट रखना है, यानी कि जो है किसी और को ना दिखाई दे, सिर्फ आप जिसको देखना दिखाना चाहते हो खाली उसी को दिखाई दे। यानी कि अगर एक रियल लाइफ सिनेरियो की बात करें, तो मैं अपने फ्रेंड को कुछ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, कोई उसको मैं मैसेज कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे भेज सकता हूँ? अब मेरे को चाहिए कि मैं किसी भी और इंसान को जो आसपास है नहीं सुनाई दे। आप इमेजिन करो एक पूरा हॉल है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, आपको कुछ ऐसा चीज कम्युनिकेट करनी है मेरे फ्रेंड के साथ जो सिर्फ आप दोनों समझ सको और आसपास कोई ना समझ सके, क्योंकि आपके पास कोई और साधन नहीं है। आपके पास सब जो जैसे भी आप कम्युनिकेट करोगे आप बोल के ही कर सकते हो। तो ठीक वैसे ही हमारा जो साइबर वर्ल्ड है वो भी ऐसे ही होता है। शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। वाईफाई का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे घर में सब में वाईफाई लगा होता है आजकल, और जो हम लोग अपना डेटा यूज कर रहे हैं वाईफाई के थ्रू, कई सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी। तो कभी आपने सोचा है कि अगर मैं अपने लैपटॉप से वाईफाई पे कुछ चीज स्ट्रीम कर रहा हूँ, कोई यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ या कोई चैटिंग कर रहा हूँ, तो क्या उस वाईफाई को क्या पता कि मैं कहाँ बैठा हूँ? वो तो ब्रॉडकास्ट कर रहा है ना, एक पॉइंट से हर जगह वो चीजें ब्रॉडकास्ट की जा रही है। सारे डेटा को, ऑल द डेटा इज बीइंग ब्रॉडकास्टेड बाय द वाईफाई, और हम लोग उसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम लोग भी ब्रॉडकास्ट ही कर रहे हैं, बिकॉज हमें हमारे लैपटॉप को भी नहीं पता कि हमारा वाईफाई मॉडेम कहाँ रखा हुआ है। यानी कि सब कुछ ओपन में हो रहा है। तो अगर और सारी डिवाइसेज जो कनेक्टेड है सेम वाईफाई पे, उन सबको ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स दिखाई दे रहे होंगे। तो फिर ऐसा कैसे कि खाली हम ही लोग प्राइवेटली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और जो यूट्यूब वीडियो हम लोग देख रहे हैं वो किसी और के डिवाइस से स्ट्रीम नहीं हो रहा? तो ये सारी की सारी बातें जो है हमारे नेटवर्किंग और एथिकल हैकिंग के अंदर आ जाती हैं, राइट? तो इन सबको कैसे सिक्योर रखना है, कैसे हम लोग वन टू वन रख सकते हैं, वो चीज रहती है। जैसे कि मैंने बताया हैकिंग के बारे में, तो एक डार्क साइड है टेक्नोलॉजी का, हैकर्स जो होते हैं हम लोग जो बोलते हैं। तो हैकर्स क्या करते हैं, ये जो हमारे अटैक सर्फेस हमने डिस्क्राइब किए, और ये तो खाली बहुत बेसिक, मैंने आपको खाली एक आइडिया के लिए अभी खाली शुरुआत की है कि आप जिसमें सोच सको कि अच्छा ये तो हमारे वाईफाई पे भी कनेक्टेड है, हम लोग मोबाइल से डेटा स्ट्रीम कर रहे हैं, या हमारे एप्पल वॉच कनेक्टेड है, या हमारे जो स्पीकर हम गाने सुन रहे हैं किसी को पता तो नहीं चलेगा। तो ये सब चीजें हैकर्स के लिए पैराडाइज कह सकते हैं हम लोग, कि उन सबको उनको ये चीजें मिल जाती है अटैक करने के लिए। अब जो गवर्नमेंट्स है, बिजनेसेस है, ऑर्डनरी पीपल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वांट टू पार्टिसिपेट इन द रेवोल्यूशन, जो कि इंटरनेट वाली बात हो रही है, बट दे आर हेजिटेंट टू डू सो आउट ऑफ कंसर्न दैट अ हैकर विल एक्सेस देयर वेब सर्वर एंड रीड देयर ईमेल्स, स्टील देयर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन और इंसर्ट मैलवेयर दैट विल कोवर्टली ट्रांसमिट देयर कंपनीज ट्रेड सीक्रेट्स टू द पब्लिक इंटरनेट। यानी कि अगर मैं एक कंपनी का ओनर हूं, तो मैं अपना डेटा कहाँ रखूँ? क्या मैं उसको अपने लोकल हार्ड डिस्क पे स्टोर करूँ? तो फिर उसका तो कुछ इनकन्वीनियंस हो जाता है ना, कि यार मेरे को हर बार वो हार्ड डिस्क कनेक्ट करनी पड़ेगी सिस्टम पे लगा के, और अगर मुझे डेटा शेयर करना है तो मुझे हार्ड डिस्क शेयर करनी पड़ेगी किसी के साथ। हालांकि अपना डेटा सेफ रहने वाला है उसमें, क्योंकि कोई और उसका एक्सेस नहीं कर पाएगा मेरी हार्ड डिस्क को, क्योंकि फिजिकली आप उसको जो अपने पास रख रहे हो, पर उसकी डेटा शेयरिंग और एक्सेसिबिलिटी में क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि उसको आप कैसे करोगे। यही बात का अगर हम लोग करें किसी ई कॉमर्स वेबसाइट की, जिसको अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करने हैं एक वेबसाइट पे, या यूजर क्रेडेंशियल्स मेंटेन करने हैं, तो वो चीज लोकली स्टोर नहीं कर सकता, वो डेटा सारा एक्सेसिबल होना चाहिए हर किसी को। यानी कि अगर कोई रिमोटली बंदा बैठा है, ही शुड बी एबल टू एक्सेस ऑल दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट वेबसाइट रिमोटली। सो हाउ कैन यू मेक श्योर दैट द डेटा दैट दे आर एक्सेसिंग इज सिक्योर? दैट कम्स अंडर आर एथिकल हैकिंग डोमेन। सो वी मूव फ्रॉम दिस। सो फर्स्टली व्हाट इज हैकिंग? हैकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सम सिक्योरिटी होल्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस टू पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन। यानी कि आप कोई भी ऐसा तरीका लगाते हो, साम दाम दंड भेद, जिससे कि आपको सामने वाले का, जो आपका, चाहे आप उसको टारगेट कर रहे हो, चाहे वो कोई कंपनी है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे पूरी पूरी सरकार है, आपको उनका कुछ ऐसा डेटा एक्सेस करना है जो आपको परमिशन नहीं है डेटा को एक्सेस करने की। परमिशन होती तो बात अलग हो जाती है ना, आपको परमिशन ही नहीं है। मैं घर बैठे हुए अपने जो हमारी कोई सरकार है उसका कोई वेबसाइट का डेटा एक्सेस करना चाहूँ, तो वो इलीगल काम हो जाता है। तो ये सारा काम हैकिंग में आ जाता है, ये हैकर्स कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्यूटर हैकिंग इज द यूज ऑफ अ पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम।
बेसिकली हम लोग इसको ब्रूट फोर्स कहते हैं कि ब्रूट फोर्स कर रहा है बंदा. और आज के टाइम पे ब्रूट फोर्स इतना जो है सक्सेसफुल नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमारे जो पासवर्ड्स वगैरह के जो हमारे सिस्टम होते हैं जिसमें कि हम लोग को मिनिमम कि उसमें ये कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, नंबर होने चाहिए, सिंबल होना चाहिए, तो वो सब की वजह से ब्रूट फोर्सिंग थोड़ा टीडियस जॉब है. इनफैक्ट अगर आपका जैसे पासवर्ड अगर आपने 6 डिजिट का भी रख, 6 कैरेक्टर्स का भी रख दिया, उसको ब्रूट फोर्स करने में बहुत समय लगने वाला है. यही अगर आपने उसको 8 या 10 या 12 कैरेक्टर्स का रख दिया, उसको ब्रूट फोर्स करने में सालों लग जाएंगे. और अगर हम इंक्रिप्शन की बात करें, अभी मैं उस टॉपिक को ज्यादा टच नहीं करूंगा, बट इंक्रिप्शन की बात करें तो उसमें जो हमारी कीज जो होती है वो 256 बाइट्स या आपके 500 समथिंग बाइट्स की भी होती है. तो आप उसको ब्रूट फोर्स में तो आप भूल ही जाओ कि उसको ब्रूट फोर्स करने के लिए बहुत सारे साल लग जाएंगे. तो उस मामले में ब्रूट फोर्स इतना कामयाब नहीं है. बट ब्रूट फोर्स एक फिर भी हमारा एक वैलिड टेक्निक होती है हैकिंग में, जिसमें कि हम लोग सारा हिट एंड ट्राई करने वाले हैं कि यार 1 2 3 4 5 6 जितने कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देख लो किसी से तो खुल जाएगा, राइट. सो डू इट फॉर, कुछ लोग जो है इसको फन के लिए करते हैं, यानी कि खाली मस्ती करने के लिए कि यार करके देखते हैं, किसी का पासवर्ड हैक करके देखते हैं, फेसबुक हैक कर लेंगे किसी का, या डू इट फॉर प्रॉफिट, किसी को जो है बैंक अकाउंट जो हैक करना है किसी का. सम डू इट टू सिंपली डिस्टर्ब या डिसरप्ट द ऑपरेशंस एंड परहैप्स गेन सम रिकॉग्निशन. कुछ लोग फेम के लिए करते हैं, जैसे कुछ टाइम पहले ये वॉन्ना क्राई वगैरह जितने हैक्स वगैरह होते हैं, रैंसमवेयर के अटैक्स होते हैं, ये लोग बाद में उसको क्लेम क्यों करते हैं कि अटैक हमने किया, क्यों? उनको फेम चाहिए, उनको रिकॉग्निशन चाहिए कि हम हैं सबसे बड़े हैकर जिन्होंने दुनिया को, दुनिया के लिए जो जो है थोड़ा सिस्टम पूरा गड़बड़ा कर दिया. They have one thing in common. They are trying to uncover a weakness in the system in order to exploit it. Right? बात वहीं आ जाती है कि कोई उनको वीकनेस मिल रहा है. अब वीकनेस कैसी होती है, क्या होती है, ये हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे. टाइप्स ऑफ हैकर्स की बात करें तो मेनली 3 टाइप के हैकर होते हैं. हम लोग ने एक बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन बना रखी है, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट. सिंपल. तो एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे. ये ऐसा नहीं है कि लोग टोपी पहन के घूमते हैं, ऐसा नहीं कि आपको टोपी पहनने की कोई जरूरत है. हालांकि कार्टून हमने देखा होगा सब लोग टोपी वाले ही हैकर होते हैं या हुड वाले होते हैं आजकल. तो जो सबसे पहले बात करेंगे ब्लैक हैट हैकर की, जो कि उन्होंने डिस्क्राइब कर रहे थे. सिंपली जो हैकर है जो कि शायद कोई क्रिमिनल है या पैसे के लिए कर रहा है, रिकॉग्निशन वगैरह के लिए कर रहा है, वो सारे ब्लैक हैट कैटेगरी में आ जाते हैं. इन लोगों का जो बेसिक फंडा होता है वो ये होता है कि वो हैक तो करने वाले, हैक यानी कि किसी और का डेटा एक्सेस करने वाले हैं और वो उसकी परमिशन के बिना करने वाले हैं. अब इसमें वो जो है अपना कुछ गेम देख रहे हैं, चाहे हम उनको पैसे के लिए कर रहे हैं, डेटा लीक करने के लिए कर रहे हैं, डेटा किसी और को कन्वे करने के लिए कर रहे हैं, वो सब अलग बातें हो जाती है. बट वो किसी और का डेटा यूज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, बिना परमिशन के कर रहे हैं और अपने किसी फायदे के लिए कर रहे हैं. तो बेसिकली हैकिंग तीनों चीजों में कॉमन रहने वाली है. बट ब्लैक हैट का जो मोटिव आपको मैं दिखा रहा हूँ कि बिना परमिशन के कर रहे हैं वो और अपने फायदे के लिए कर रहे हैं. उसी के विपरीत जो है, उसी के जस्ट ऑपोजिट व्हाइट हैट हैकर है जो कि हैक करेगा, राइट, और किसी और का डेटा एक्सेस कर रहा है बट वो परमिशन के साथ कर रहा है. तो आप बोलोगे क्या परमिशन के साथ क्यों कर रहा है एक्सेस, अगर उसको एक्सेस ही करना था और उसको परमिशन मिल गई तो उसको हैक करने की क्या जरूरत है, सीधा जाके जो है अपने अगर किसी ने पेनड्राइव में उसका डेटा पेनड्राइव इंसर्ट करके देख ले. ऐसा नहीं है, इसके बारे में और चर्चा करेंगे. बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, हम लोग अपने खुद के जो सिस्टम्स होते हैं उनको पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं उनकी, उनको जो है हम लोग सारी चीजें ट्राई करके देखते हैं, हिट एंड ट्राई करके देखते हैं कि कोई सा अटैक चल जाए या उनमें जो वीकनेस है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं कि क्या क्या उसमें वल्नरेबिलिटीज हैं ताकि उसको फिक्स कर सकें. तो इन सभी चीजों के लिए हम लोग व्हाइट हैट हैकर्स का जो है एम्प्लॉयमेंट रखते हैं, जिसमें कि वो लोग हिट एंड ट्राई करेंगे और आप उनको हायर करोगे चाहे तो, या वो होता है ना कि केस बाय केस बेसिस पे करेंगे. कुछ फ्रीलांसर्स होते हैं, कुछ कंपनीज उनको हायर कर देती हैं, बट इनका जो काम रहता है वो परमिशन के साथ हैक करने वाला रहता है, राइट. और ये इन लोगों को जो फायदा हो रहा है वो बेसिकली जैसे होता है ना कि ये वाइट मनी है, इनको जो जेन्युइन लेजिटिमेट इनकम है. तो जो है इन लोगों को कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं लोग, वाइट हैट हैकर जो होते हैं, और वही हैकिंग वाले टूल्स वगैरह ये भी यूज करते हैं. अब बीच में जो एक ग्रे पार्ट जो आता है, ग्रे रीजन, वो है ग्रे हैट हैकर्स का, जिसमें कि ये लोग हैक तो कर रहे हैं किसी और थर्ड पार्टी का डेटा, हैक तो ये लोग कर रहे हैं उसकी परमिशन के बिना ही कर रहे हैं, यानी कि ब्लैक हैट हैकर की जैसे ही है, बिना परमिशन के हैक कर रहे हैं. पर इसमें वो कुछ नुकसान नहीं करना चाहते. इनका जो मकसद रहता है वो होता है कि मैं सामने वाले की सिस्टम को हैक करके उससे बता दूं कि आपकी ये वल्नरेबिलिटी है या आपकी सिस्टम में ये वीकनेस है, जिसको अगर आप कवर करना चाहे कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे मेरी बाउंटी दे दो या मुझे इसके लिए कोई रिवॉर्ड दे दो. तो
कंपनीज क्या करती हैं जनरली इसी के बेसिस पे ही हमारे जैसे आपके बग बाउंटीज होती हैं या इस टाइप के पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह कराते रहे, जिसमें कि वो ओपन सोर्स कर देते हैं कि यार जिसको पार्टिसिपेट करना है कर लो, कोई भी सिस्टम पर अटैक कर लो। हालांकि वो भी थोड़ा सा वाइट की तरफ ही आ गया, अगर मान लो मेरी वेबसाइट रन हो रही है, मैंने कोई बग बाउंटी प्रोग्राम भी नहीं बनाया, राइट, सिंपल वेबसाइट रन हो रही है, मैंने किसी को नहीं बोला कि मेरा सिस्टम हैक करो, कोई बंदा आके मेरा सिस्टम हैक करता, वो मुझे रिपोर्ट कर देता है कि आपके सिस्टम में ये फ्लॉज है, तो मुझे बुरा तो लगेगा, पर अगर उसने मेरा कोई नुकसान नहीं किया है तो मैं उसको रिवॉर्ड दे सकता हूँ, राइट। तो ये ग्रे हैट वाला हो जाता है कि उन्होंने कोई हमारा नुकसान नहीं किया है, बट हमारी परमिशन के बिना फिर भी हैक कर रहे हैं। तो तीनों ही हैकर स्किल्स और जो आपके टूल वगैरह यूज करने वाले हैं, बट उनके जो मोटिव, उनका जो एजेंडा है, उनका जो काम करने का तरीका है, जो मकसद है, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ये तीन हुए, ग्रे हैट, ब्लैक हैट और व्हाइट हैट। तो वही से हम लोग शुरू करते हैं एथिकल हैकिंग के बारे में। तो एथिकल हैकिंग इज ऑल्सो नोन एज पेनिट्रेशन टेस्टिंग और व्हाइट हैट हैकिंग। इन्वॉल्व्स द सेम टूल्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स दैट हैकर्स यूज, बट विद वन मेजर डिफरेंस दैट एथिकल हैकिंग इज लीगल। ये बिल्कुल कानूनी है, आप परमिशन के साथ कर रहे हो, कंसेंट के साथ कर रहे हो। और जैसे कि इसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात की गई, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक्चुअली होती क्या है कि जैसे मैं थोड़े देर पहले बताया था, टीज किया था कि एक वेबसाइट है या कोई ऐप है जो रन हो रही है, और मैं उसमें ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उसमें पेनिट्रेशन कर दूँ, मैं उसमें अपना कोई एक्सप्लॉइट रन कर दूँ, चाहे तो मैं उसमें कोई रिवर्स शेल का मैं उपयोग कर सकूँ, कोई वायरस डाल के देख सकूँ, किसी भी तरीके से मैं उसमें बैकडोर एंट्री बना देख सकूँ, या कोई ऐसा डेटा जो मुझे नहीं दिखना चाहिए, एक नॉर्मल इंसान को नहीं दिखना चाहिए जो कि उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, वो मैं डेटा एक्सेस कर सकूँ, चाहे वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, किसी के क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन हो, कोई एम्प्लॉय डिटेल्स हो, सैलरी इन्फॉर्मेशन हो, ऐसी सारी चीज़ें। तो वो सब हम लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ट्राई करके देखते हैं कि यार किस किस चीज से हम लोग अटैक कर सकते हैं। बेसिकली आप वीकनेस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि अगर कोई और, यानी कि कोई ब्लैक हैट हैकर्स पर ट्राई करे अटैक करने का, तो उसको वीकनेस नहीं मिले, हमने ऑलरेडी फिक्स कर दी। कोई भी सिस्टम आप लेते हो, जिसमें आपने, मैंने कोई नई वेबसाइट बनाई, अगर मैंने उसको टेस्टिंग वगैरह नहीं कराई है, मैंने अपनी तरफ से बहुत सिक्योर बना दिया, मैंने उसमें टॉप नॉच की जो है सिक्योरिटी जो है आपके प्रोटोकॉल्स लगा दिए कि यार इसमें इंक्रिप्शन रखने वाले हैं हम लोग, इसमें डेटा सिक्योरिटी होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होगी, इसमें फायरवॉल्स लगेंगी, एडवांस फायरवॉल लगेंगी, 10 चीजें लगा दी मैंने, ठीक है। पर मैंने उसको टेस्ट नहीं किया, मैंने खाली मार्केट से सामान उठा के लिया, लगा दिया, कनेक्ट कर दिया कि अच्छा ये है, कुछ प्रोग्राम मैंने डाउनलोड कर लिया और कनेक्ट करके उनको जो है अपलोड कर दिया मेरे सिस्टम पे, मेरे सर्वर्स पे। तो वो जो सिस्टम रहेगा, हो सकता है कि मेरे से ये सब करते हुए थोड़ी गलती हो जाए, क्योंकि मेरे पास स्किल्स नहीं थे या एक्सपीरियंस नहीं था, या इन जनरल चाहे एक्सपीरियंस बंदा भी हो, उससे भी गलती हो जाती है। हम लोग कोई कोड लिखते हैं, कोड में कहीं ना कहीं कुछ एरर आने के चांसेस होते ही है। अगर आप में से किसी ने कोई प्रोग्रामिंग करी है, कोई कोड लिखा है, चाहे जावा में हो चाहे पाइथन में हो, आपको पता होगा कि कई बार एक ब्रैकेट से भी बहुत फर्क पड़ जाता है कि यार ब्रैकेट उसने आपने बंद नहीं किया, यानी कि आगे वाले जितने भी वेरिएबल हमने डिस्क्लोज किए थे, वो सारे के सारे आपके आर्गुमेंट को इनवैलिड कर देंगे। एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे से। तो ये सारी चीजें कहीं आगे जाके वल्नरेबिलिटी बन जाती है। इन्हीं सबको प्लग करने के लिए हम लोग उसका टेस्टिंग कराते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हो, इसके लिए हम लोगों को हायर करते हैं, यानी कि व्हाइट हैट हैकर्स को। अब वो चाहे तो फ्रीलांसर हो, यानी कि आप एक बंदे को हायर कर रहे हो, या फिर आपने किसी कंपनी को अपना हैंड ओवर कर दिया कि यार तुम लोग इसको टेस्ट करके बता दो कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, जो कमी है, जिसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं, और मूविंग फॉरवर्ड वी कैन इंश्योर सिक्योरिटी फॉर आर डेटा, राइट। सो दैट इज द बेसिक जिस्ट ऑफ एथिकल हैकिंग। Now, what do ethical hackers do? So, पहली बात जैसे मैंने बताया, vulnerability assessments करते हैं। और vulnerability assessment और penetration testing में क्या फर्क है? Penetration testing में मैं actively try कर रहा हूँ कि मैं सारी चीजें attack करके देख सकूँ, system में enter करने की कोशिश करूँ, मैं penetration करने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं पे मैं vulnerability assessment की बात करूँ, तो वहां पे मैं जो हूँ ये penetration testing नहीं कर रहा हूँ। इसको आप ऐसे समझो, जैसे कि अगर मुझे सिस्टम पता है, मैं अंदर से सिस्टम को जानता हूँ कि उसमें क्या कोड लिखा हुआ है, उसमें कौन कौन से फायरवॉल रन हो रहे हैं, क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, उस सब नॉलेज के बाद मैं एनालिसिस करके बताऊँ कि आपके सिस्टम में ये कमियाँ हैं, कि आपने ये चीज़ गलत कर रखी है, तो वो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कहलाती है। वहीं अगर मुझे कुछ नहीं पता है या बहुत लिमिटेड डेटा दिया गया है, मुझे को बोल दिया है कि यार आप हमारे कंपनी में आए हो, हमारी बिल्डिंग में खड़े हो, हमने आपको वाईफाई पासवर्ड दे दिया, आप यहां से आप शुरू करो, आप सिस्टम पे हैक करने की कोशिश करो, तो वो जाते हैं आपके पेनिट्रेशन टेस्टिंग। मैंने खाली एक एग्जांपल लिया पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, आप ये जरूरी नहीं कि बिल्डिंग में जाके करो, आप घर से भी कर सकते हो, बट बेसिक डिफरेंस ये हो गया कि आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आपको नॉलेज लिमिटेड हो गई। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स और व्हाइट बॉक्स अप्रोचेस। व्हाइट बॉक्स यानी कि आपको सारी नॉलेज है, आपको सारी चीजें दे रखी है, क्या कोड है, क्या डिवाइसेस कनेक्टेड है, आप सबको एनालाइज कर सकते हो, सबको रीड कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, और उसके बाद अपना रिपोर्ट तैयार करोगे कि यहाँ यहाँ ये चीजें कमियां हैं।
और पेनिट्रेशन टेस्टिंग वहां पे आपको ग्रे बॉक्स या ब्लैक बॉक्स होगा जिसमें आपको नॉलेज ज्यादा नहीं दी जा रही है, आपको एक हैकर की तरह ट्रीट करें कि आप एक आउटसाइडर हो, आप अगर बाहर से अटैक करते तो आपको क्या जो है आपका अप्रोच रहता है वो ट्राई करके देखो। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क रहता है। एथिकल हैकर ये दोनों चीजें करते हैं और क्या करते हैं, वो करते हैं गैदर इंटेलिजेंस। अब जैसे आपने अगर बहुत सारी ऐसे शोज देखे होंगे, मूवीज देखी होंगी, आई थिंक एक मिस्टर रोबोट करके शो आया था, या ऐसे एक सिलिकॉन वैली करके एक शो है जिसमें कि वो लोग अपना कुछ कोड वोड डेवलप करते हैं और उसके बारे में कहानी है, या फिर अगर किसी ने कोई जो सुपर हीरो मूवीज वगैरह या शो देखता है तो एक एरो करके सीरीज आती थी जिसमें कि एक कैरेक्टर था फेलिसिटी स्मोक जो कि हैकिंग वगैरह में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी। तो वो सब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने खाली अपना कंप्यूटर खोला और 10 चीजें टाइप करी और आपका हैक हो गया सिस्टम में, ऐसा होता नहीं। वो जो थोड़ा उसको थोड़ा सा वो जो है सिनेमैटिक उसमें बनाने के लिए, इस खेल पे बनाने के लिए, उसको थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाने के लिए ऐसा दिखा देते हैं। असली में हम लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही गैदर करनी पड़ती है। तो इंटेलिजेंस गैदर करना काफी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारा हमारे हैकिंग के लिए। अब चाहे आप एक एथिकल हैकर हो या नॉर्मल हैकर हो, जो भी हो, आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत जरूरी होता है। कैसे गैदर करते हैं हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे, बट बेसिक हम लोग को जरूरी है कि हम लोग उसमें इन्फॉर्मेशन गैदर करना जरूरी होता है। और इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स एवरीथिंग, देर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन गैदर। चाहे जो जिसको आप टारगेट कर रहे हो, चाहे वो कोई कंपनी है जिसके लिए आप असेसमेंट कर रहे हो, या कोई इंडिविजुअल है, तो उसका नाम क्या है, उसकी फैमिली में कौन है, उसका उठना बैठना कहाँ पे होता है, उसका बैंक अकाउंट कहाँ कहाँ पे है, उसके पेट का नाम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो कहाँ घूमने जाता है, कोई लिमिट नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर लोगे सारी की सारी कहीं ना कहीं काम आ सकती है। एक एग्जाम्पल लेने के लिए ना, क्योंकि बच्चों को हम लोग बातें करते हैं तो एग्जाम्पल से बड़ा अच्छा समझ में आता है। तो जैसे अगर मुझे किसी का ईमेल अकाउंट हैक करना है, ये बहुत एक जो छोटे बच्चे करते हैं ऐसी चीजें, मैंने मतलब शायद बचपन में कभी की होगी कि आपने ईमेल अकाउंट जो आपको एक्सेस करना है तो आप जो है ईमेल आईडी आपने कहीं से पता कर लिया उनकी, चाहे फेसबुक पर लिखा होगा उसका ईमेल ही है, आपने वो कॉपी किया और जाके लॉग इन स्क्रीन में चले गए उसके, चाहे वो जीमेल है या हो जो भी, और वहां जाके आपने लिखा फॉरगॉट माय पासवर्ड। फॉरगॉट माय पासवर्ड में जाकर आपको दो तीन सिक्योरिटी क्वेश्चन देता था। अब तो खैर ओटीपी आता है क्योंकि उन्होंने उस चीज को बायपास करने की कोशिश की है, क्योंकि सिक्योरिटी क्वेश्चन इजीली लोग गेस कर लेते हैं। इसलिए ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लाया गया है, क्योंकि ये सारी चीजें फ्लॉज थी पहले जो कि लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे, काफी कॉमन हो गया था। तो लोग क्या करेंगे कि वो सिक्योरिटी क्वेश्चन में जाएंगे और जो दो तीन सवाल जो दे रखे होंगे कि मेरे पेट का नाम क्या है, मेरा होम टाउन क्या है, मेरी फर्स्ट वाइफ का नाम क्या है, मेरी मम्मी का मेडन नेम क्या है, इस टाइप के जो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कि आप किसी भी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के प्रोसेस में निकाल सकते हो, वो सब उसमें आ जाते हैं। तो लोग इजीली अपना अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज करवा देते थे इसे। तो ये इंटेलिजेंस गैदरिंग वाला स्टेप काफी इंपॉर्टेंट होता है, और सिर्फ इसीलिए नहीं कि जो है आप खाली सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर करना चाहते हो, उस सिस्टम पे क्या फायरवॉल रन हो रही है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है, क्या उसमें कोई सर्विसेज रन हो रही है, कौन से पोर्ट्स ओपन है, पोर्ट्स वर्ड्स क्या होते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कौन से पोर्ट ओपन है, क्या सर्विसेज रन हो रही है, उनमें कौन से वर्जन की है, वो सब चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद हैकर्स जो होते हैं वो स्कैन करते हैं। स्कैन करने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो एक आपका जो प्लान बनेगा कि यार मैंने ये सब चीजें गैदर कर ली, अब इसमें से मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या बनने वाला है, इसमें से मैं एक्चुअली यूज क्या क्या कर सकता हूँ, तो वहां पे आप उसको थोड़ा सा नैरो डाउन करते हो कि आप एक प्लान ऑफ एक्शन बना लोगे इन्फॉर्मेशन गैदर करने। इन्फॉर्मेशन जो आपकी जो होता है ना कि रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आओगे कि यार ये सारी इन्फॉर्मेशन का यूज करके मेरा काम बन जाएगा, तो वो होता है। और अगला स्टेप होता है गेन एक्सेस, यानी कि अब आपने जो भी चीजें प्लान करी है उसको आप एग्जीक्यूट करोगे। चाहे आपने देखा है कि मैं इसको अपना एक रिमोट शेल करना चाहता हूँ, मैं एफटीपी का उन्होंने जो है सर्विस ओपन कर रखी है और मैं उस पर लॉग इन करके हैक चलाऊंगा, उनका डेटा एक्सेस करूंगा, तो आपने सब करने के बाद उसको आप गेन एक्सेस करोगे, यानी कि जो भी आपने प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट करोगे। फिर है हाई ट्रैक्स, और ये क्यों है हाई ट्रैक्स, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऑब्वियसली अगर हम किसी भी जैसे किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो आप नीचे रजिस्टर में एंट्री करते हो ना कि यार मैं अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि गार्ड वहाँ पे खड़ा हुआ है, आपको देख रहा है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। अगर ये सिक्योरिटी नहीं होगी तो कोई भी बिल्डिंग घुस जाएगा, तो फिर सिक्योरिटी है ही नहीं ना आपका मतलब। तो सिक्योरिटी इसलिए रखी जाती है कि देख ले कि कौन अंदर गया कौन बाहर गया, तो बेसिकली वो एक लॉग मेंटेन कर रहा है सिक्योरिटी गार्ड जो है वहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग जब किसी सिस्टम को एक्सेस करते हैं, और जरूरी नहीं है कि खाली नेटवर्क की बात करूँ, मैं अपने सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जिस सिस्टम पर अभी हम लोग ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, मैंने सिस्टम पे लॉग इन किया है तो उसमें कुछ फाइल्स जनरेट हुई हैं, कुछ लॉग एंट्रीज हुई हैं, किस टाइम पे मैंने लॉग इन किया, कौन सी यूजर ने लॉग इन किया, अगर मेरे सिस्टम पे बहुत सारे अकाउंट्स हैं अलग अलग लोग यूज करते हैं तो कौन से यूजर ने किस टाइम पे लॉग इन किया, ये सारे लॉग्स भी जनरेट होते हैं। नेटवर्क की बात करें तो हमारी अगर फायरवॉल लगा हुआ है या कोई राउटर लगा हुआ है तो उसको किस बंदे ने एक्सेस किया, किस टाइम पे एक्सेस किया, उसने क्या चीज क्या कमांड भेजी थी, उसका क्या रिक्वेस्ट था,
वो सब चीजें लॉक की जाती हैं। तो अगर आप कोई मलिशियस, यानी कि अगर आप जो अपना जो भी अटैक कर रहे थे, चाहे उसमें कोई मलिशियस स्क्रिप्ट है, आप कोई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, आप जो है एसक्यूएल इंजेक्शन कर रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो, सारी चीजें लॉग हो रही है। चाहे आप कामयाब हो गए हो, यहाँ पे आपको जो है एक्सेस मिल गई, आपने डेटा जो आपको एनालाइज करना था आपने कर लिया, बट स्टिल आपके ट्रैक्स अभी भी विजिबल है। अगर कल को कोई आएगा फोरेंसिक्स वाला जो आपको चेक करेगा कि यार ये हैक आखिर हुआ कैसे, कौन से आईपी एड्रेस से जो अटैक हुआ था, वो सारे लॉग फाइल्स में आ जाएगा। तो आपको हाई ट्रैक्स करना जरूरी है, यानी कि आप जो भी लॉग जनरेट हुए हैं उनको आपको किसी तरीके से क्लियर करना है, या करप्ट करना है, या फिर अपना जो एंट्रीज है उनको हटाना है, राइट? तो ये काम भी एक स्टेप हो जाता है हमारे हैकिंग में। और लास्ट में एनालाइज एंड रिपोर्ट, क्योंकि हम लोग एथिकल हैकर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एनालाइज और रिपोर्ट करना बिल्कुल अनिवार्य है, कंपल्सरी है। क्योंकि अगर आप ये रिपोर्ट नहीं कर रहे हो ये एनालाइज करने के बाद, तो फिर फायदा क्या, फिर तो आप एक ब्लैक हैट हैकर हुए, राइट? तो ये उसका रिपोर्ट बनाना कि आपने कहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज करी, कैसे अपना अटैक बनाया, कैसे एक्सेस गेन करी, ट्रैक्स कैसे आपने जो है क्लियर किए, सब कुछ जो जो आपने किया है सबके आप उसको जो है रिपोर्ट बनाते हो, और उसको जो है आप रिपोर्ट बना के सबमिट करते हो। अब चाहे वो कोई कंपनी है जिसको आपने किया है, तो कंपनी देखेगी अच्छा हमारे रिपोर्ट में कि ये हमारे सिस्टम पे एसक्यूएल इंजेक्शन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि शायद हम लोग जो हमारे डेटा एंट्रीज होती है उसको सैनिटाइज नहीं कर, राइट? अभी अगर आपको कोई चीज ऐसा लगता है ना कि मैं समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं इतना ज्यादा डेप्थ में अभी तक मैं गया नहीं, मैं एक एक करके इन चीजों पे आऊंगा कि ये सारे जो अटैक सर्फेसिस की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी हम लोग एक ओवरऑल ओवरव्यू लेना चाह रहे हैं कि एथिकल हैकिंग में क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट डोमेन है। ये आज से कुछ साल पहले तक तो शायद लोगों को पता नहीं था कि एथिकल हैकिंग भी कोई चीज होती है। लोग खाली हैकर हैकर मानते थे कि अच्छा इसने जो है कंप्यूटर हैक कर दिया, ये हैकर, राइट? तो उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, उसको एक क्रिमिनल एक्टिविटी की तरह देखा जाता था। पर अब पिछले कुछ सालों में, और मैं जो है आई गो एज फार एज गोइंग अ डेकेड और सो, जिसमें कि इनफैक्ट थोड़ा सा डेकेड से ऊपर, कि लोगों ने एथिकल हैकिंग को भी रिकग्नाइज करना शुरू किया कि इसकी नेसेसिटी है, ये रिक्वायर्ड है प्रोफेशन, और इसकी वैल्यू जो है एथिकल हैकिंग वाला जो हमारा प्रोफेशन है इसकी वैल्यू बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेट हर जगह फैल रहा है, डिवाइसेस बढ़ रही है, हैकर्स के लिए उनका अटैक सर्फेस बढ़ रहा है, तो हमको प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। सिक्योरिटी गार्ड में काफी लूजली यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी गार्ड वाला काम है, काम इससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और बहुत ज्यादा टेक्निक्स और टेक्निकल काम है। तो ये एक ग्रोइंग और बूमिंग प्रोफेशन कह सकते हो आप। तो एथिकल हैकिंग इंडिपेंडेंट कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ब्रेकिंग इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि उन्होंने बताया फ्रीलांसर हो सकता है, कोई इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकता है जो कि सारे काम कर रहा है। नाइदर इंटरफेयर विद द सिस्टम नॉर स्टील द डेटा एंड एनालाइज द टारगेट सिस्टम सिक्योरिटी एंड इन्फॉर्म द ओनर्स ऑफ देयर डिस्कवर्ड बग्स। यानी कि कोई बंदा है जो कि चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे प्रोफेशनल हो, किसी कंपनी में काम करता है, और वो कंप्यूटर सिस्टम्स को ब्रेक यानी कि तोड़ने की बात नहीं हो रही, उनकी सिक्योरिटी को पेनिट्रेट यानी कि बाईपास करने की बात हो रही है। और नीदर इंटरफेयर विद द सिस्टम नॉट स्टील द डेटा, यानी कि वो सिस्टम को कुछ डैमेज नहीं पहुंचाने वाला है, डेटा स्टील नहीं करने वाला है, उसका काम सिर्फ ये है कि वो पेनिट्रेशन करके दिखाएगा, वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट कर देगा। एंड एनालाइज द टारगेट सिस्टम सिक्योरिटी एंड इन्फॉर्म द ओनर्स ऑफ एनी डिस्कवर्ड बग्स, जो भी आपने रिपोर्ट किया। तो हम लोगों ने पीछे जो बात करी थी एनालाइज एंड रिपोर्ट वाली, ये स्टेप, तो ये सब हमारा एथिकल हैकिंग के अंदर है। अब आते थे कि हु इज एन एथिकल हैकर, तो एथिकल हैकर आर मोस्टली पीपल विद अ गुड टेक्निकल नॉलेज अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। An ethical hacker will see sensitive information and needs to be extremely trustworthy. During his assignment, an ethical hacker may get access to sensitive and confidential customer information where he will discover customer's weak points. Yani ki koi aisa banda hai jisko knowledge hai kafi, skill uske paas hai, aur usko jo hai languages aati hai, usko operating system ke upar jo hai command hai ki kaise khare operating system pe kaam karna hai. Importantly, wo trustworthy banda hai. ट्रस्टवर्दी क्यों? क्योंकि आप उसको जो है ट्रस्ट कर रहे हो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ, चाहे आपने उसको पहले ही बता दिया सब चीजें, या फिर जब डेटा एक्सेस करेगा सब चीजें दिखाई देगी, तो वो उसको आप ट्रस्ट कर रहे हो कि वो इस सब चीजें लीक नहीं करेगा, कहीं बाहर कम्युनिकेट नहीं करेगा, उसका फायदा नहीं उठाएगा। तो ये एथिकल हैकर के कुछ रिक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, उसके टेक्निकल स्किल्स और उसका जो स्किल्स नॉलेज वगैरह है, और साथ में उसका ट्रस्टवर्दी होना, प्रोफेशनल होना बेसिकली। Absolutely trustworthy, strong knowledge of computer networks and programming, just to sum up karunga thoda sa, and learns about systems and looks for its flaws, mainly focus on detection and prevention. Hamara kaam ye nahi hai ki hum log jo hai usko jo hai exploit karne wale kisi vulnerability ko, hum log focus karenge detection pe aur prevention pe. Agar ye vulnerability aap usko fix kaise kar sakte ho, isko prevent kaise kar sakte ho aage. Acha, jo main baat kar raha hu strong knowledge of computer networks and programming,
तो जैसे कि आप अगर आप स्कूल्स में जैसे हम लोग सब्जेक्ट्स लेते हैं, सी प्लस प्लस ले लेते हैं, या आपका जावा सिखाया जाता है स्कूल्स में, कई बार सी और आर, खैर आर तो मशीन लैंग्वेज थोड़ी लो लैंग्वेज हो गई, बट इन जनरल ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। पाइथन भी है, अब आजकल जो है काफी सारी नई नई चल रही है, आपकी रूबी चल रही है, फ्लटर है, नोड जेएस है, बहुत सारी ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो कि अलग अलग जगह इस्तेमाल होती हैं। हर लैंग्वेज का अलग अलग इस्तेमाल है, जैसे कि आपका पाइथन है वो हमारे इंडस्ट्री में कई जगह मशीन लर्निंग वगैरह में एम्प्लॉय की जाती है, नोड जेएस हमारा सर्वर्स पर रन हो रहा होता है जो कि बैक एंड पे होता है, अगर हम लोग सी प्लस प्लस वगैरह की बात करें तो सारे जो हमारे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, सॉफ्टवेयर्स वगैरह, वो इन लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं जो कि थोड़े लो लेवल लैंग्वेजेस है। और इसका रीजन है, रीजन ये है क्योंकि ये क्योंकि लो लेवल है, आप इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हो ताकि ये कम से कम मेमोरी कंज्यूम करें और बेटर परफॉर्मेंस दें। वही जो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि पाइथन है, इनको आप जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हो क्योंकि ये थोड़ी सी एक मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करते हैं कंपैरेटिवली, बट इनको आप किसी और चीज के लिए एम्प्लॉय करते हो जिसमें कि आपको जैसे कि कुछ कैलकुलेशंस करनी है या कुछ डेटा को मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट यहाँ पे ये मतलब नहीं कि कुछ खराब चीज करो, मैनिपुलेशन इज नॉट ऑलवेज बैड, वेयर आई एम सेइंग दैट मे बी आपको जो है डेटा को क्रंच करना है कि आपके पास बहुत सारे डेटा आ रहा है, कि कई सारे स्पेंड्स हैं, आपको उसमें से ट्रेंड निकालना है कि क्या कंज्यूमर का क्या पैटर्न है, किस पैटर्न में स्पेंड करता है, कुछ आपको उसमें एल्गोरिदम रन करना है। तो इस सब के लिए हमारा पाइथन या जावास्क्रिप्ट भी हम लोग इस चीजों के लिए यूज कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट हमारा फ्रंट एंड पे आता है जो कि हमारे ब्राउजर्स पर रन होता है, राइट? तो ये सारी लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट हो जाती है, जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ आता हो, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी कि आपको सारी की सारी लैंग्वेजेस आती हो। अगर आपको एक लैंग्वेज भी आती है तो दो, मतलब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, पहली चीज ये कि आपको एक लैंग्वेज सीखना जरूरी है, वाई? क्योंकि आपको जब वो लैंग्वेज सीख लोगे आपका दिमाग खुल जाएगा थोड़ा सा कि प्रोग्राम में एक्चुअली होती कैसे है, कैसे हम लोग जो है डील करते हैं कोड के साथ, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर आपने एक लैंग्वेज सीख ली, आपको किसी और लैंग्वेज को समझना या एनालाइज करना या फिर उसको एसेस करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा सिंटैक्स में फर्क होता है बट लैंग्वेजेस मोस्टली सिमिलर बेसिस पे काम कर रही होती हैं, राइट? लो लेवल लैंग्वेजेस जो है वो आपकी एक तरीके से काम कर रही होंगी मोस्टली, और हाई लेवल लैंग्वेजेस भी एक तरीके से काम कर रही होंगी। और अगेन जस्ट टू मेक इट क्लियर, क्योंकि शायद मेरे को लग रहा है कि सबको शायद नहीं बताओ कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। लो लेवल लैंग्वेज वो होती है, ऐसा नहीं कि वो जो है जो हमारे जैसे कास्ट सिस्टम है कि लो क्लास वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोग जो लो लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये मशीन्स के ज्यादा पास है, ह्यूमन से थोड़ा दूर है, ह्यूमन्स को उतना ज्यादा समझ में नहीं आती है। ये थोड़ा सा जैसे होता है ना कि बहुत बेसिक्स है जो कि मशीन्स के लिए बहुत ईजी अंडरस्टैंड करना, तो उसको हम लोग लो लेवल कहते थे। हाई लेवल यानी कि जो ह्यूमन रीडेबल है, जिसमें कि ज्यादा टेक्स्ट, ज्यादा वर्ड्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, राइट? जैसे पाइथन है, आप उसमें सब चीजें डिक्लेयर करते हो, आपको जो लैंग्वेज है इफ दिस देन दैट वगैरह, वो काफी ह्यूमन रीडेबल है, इसलिए उसको हम लोग हाई लेवल कहते थे। सही, उसके साथ ही हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। मोस्टली लोग विंडोज यूज करते हैं क्योंकि विंडोज वर्ल्ड वाइड जो है एक ऑर्डिनरी यूजर के लिए फेवरेट या गो टू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि इतना कस्टमाइजेबल है और इसमें आप लोग गेम्स रन कर लेते हो, चाहे तो आप इसमें कोई एप्स डाउनलोड जो आपको करना है, बेसिकली एवरीडे यूज के लिए विंडोज हम लोग यूज करते हैं। पर ये अकेला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसके अलावा और भी है, चाहे आपके मैक्स हो जो एप्पल बनाता है, जो कि जनरली लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसके हिसाब से लोग मैक्स यूज कर लेते हैं, जिसमें कि उनको विंडोज जैसा एक ओपन ऐसा एनवायरमेंट नहीं चाहिए जिसमें कि उनको गेम्स वगैरह सब कुछ चलाना है, उनको एक वर्क ओरिएंटेड एनवायरमेंट चाहिए जिसमें कि थिंग्स जस्ट वर्क हाउ दे सपोज टू वर्क, राइट? उसके साथ में अगर हम बात करें तो, और जैसे लिनक्स के बहुत सारे ओपन, लिनक्स हमारा जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर आप जो है उसको कस्टमाइज कर सकते हो खुल के, उसका जो आपका सोर्स कोड है उसको जितना मर्जी मॉडिफाई कर लो, अलग ही डिस्ट्रीब्यूशन बना दो। यानी कि कई सारे हमेशा नाम सुना होगा लिनक्स के, आपके उबंटू आता है, आपका काली आता है, पैरेट आता है, रॉकी है, आपका सेंट ओएस है, ऐसे बहुत सारे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल हैं जो कि फ्री है, मोस्टली फ्री होता है, और इनको हम लोग जनरली सर्वर्स पर रन करते हैं या फिर जो लोग साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं इन स्पेसिफिक, वो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लिनक्स का। वाई? क्योंकि जैसे मैंने बताया ये ज्यादा कस्टमाइजेबल है। जस्ट टू से गिव एन आइडिया, जैसे कि हमारा काली है, अभी उसमें थोड़ी देर में आऊंगा, बट काली लिनक्स क्या है, उसमें हमारे सारे टूल्स लोडेड है, हमने उसको ऐसे कस्टमाइज कर रखा है कि आपने उसमें जो सॉफ्टवेयर वगैरह आपको जो चाहिए थे, जो बेसिकली हमारी हैकिंग में हमारे काम आते हैं या पेनिट्रेशन टेस्टिंग में काम आते हैं, रिपोर्ट मेकिंग में काम आते हैं, वो सारी चीजें आपने उसमें प्रीलोड कर दी, और फालतू का जो ब्लोटवेयर हम लोग कहते हैं ना कि यार इसमें पेंट डाल दिया, ये डाल दिया, वो सब नहीं है उसमें, उसमें जो खाली जरूरत का सामान है वो डाल रखा है आपने। अगर आप हैकिंग के हिसाब से जा रहे हो तो चाहे वो काली लिनक्स हो या पैरेट ओएस हो, राइट,
सेम अगर आप किसी सर्वर पे रन कर रहे हो, चाहे आप उसको सेंटोस रन कर रहे हो या रॉकी वाला रन कर रहे हो, जो कि रॉकी भी रिसेंट है, कुछ टाइम पहले रिलीज हुआ है, या अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो जो कि लिनक्स पसंद करते हो, चाहे आप उसको जो है उबंटू रन कर रहे हो, क्योंकि उबंटू थोड़ा सा यूजर इंटरफेस फ्रेंडली हो जाता है उसका। विंडोज और उसमें फर्क है, क्योंकि विंडोज एक हाई रिसोर्स कंज्यूमिंग सिस्टम है, जिसमें कि सारी सर्विस इकट्ठे रन हो रही है, उसमें आप चाहे गेम्स खेल लो, चाहे मूवी मेकिंग कर लो, बहुत सारे काम कर सकते हो। बट उसका ड्रॉबैक यही है कि उसमें इतनी सारी सर्विसेज रन हो रही है, तो आपको परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं मिलती, वो स्पेशलाइज नहीं है उस परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो इतनी सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो हम लोग जब हैकिंग में आते हैं तो हम लोग को फेमिलियरिटी होनी चाहिए कि अच्छा लिनक्स का सिस्टम कैसा होता है, एप्पल का सिस्टम कैसा होता है, विंडोज सिस्टम कैसा होता है, इसमें हमारा कमांड लाइन कैसे रन होता है, क्या फाइल स्ट्रक्चर है, क्या यूजर इंटरफेस है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को नॉलेज होनी चाहिए। तो लैंग्वेज हम लोग को एक पता होनी चाहिए कम से कम, ज़्यादा बताऊंगे और अच्छा, और ऑपरेटिंग सिस्टम से फेमिलियरिटी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग हैक वैक करने वाले हैं तो ज़रूरी नहीं है ना कि हम लोग खाली एक विंडोज को हैक करने वाले हैं। अगर सामने वाला बंदा लिनक्स यूज़ कर रहा है तो आप क्या करोगे, राइट? तो ये पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। नाउ व्हाई डू वी नीड एथिकल हैकिंग? प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉसिबल एक्सटर्नल अटैक्स। बेसिकली जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे अटैक्स हो सकते हैं, बहुत सारे अटैक सर्विसेस हैं, तरीके हैं, मेथड्स हैं, टूल्स हैं, तो उन सब से बचने के लिए पहले हम लोग खुद ही एथिकल हैकिंग करके देख लेते हैं कि यार कहाँ कहाँ फ्लॉज हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटेड अटैक्स है। ऑटोमेटेड अटैक्स क्या होता है, हम लोग नॉर्मली टूल्स की बात करते हैं, आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है, इनफैक्ट अगर हम लोग जैसे काली की बात कर रहे थे तो काली में बहुत सारे स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी हुई जा चुकी है, कि अगर इफ दिस देन दैट करके, कि अगर उस सिस्टम में ये चीज़ है तो ये रन कर दो, उस सिस्टम में ये चीज़ है तो ये रन कर दो। बेसिकली आपने पूरा सिस्टम ऑटोमेट कर रखा है वहाँ पे, आपको खाली एक कमांड देने की भी आएंगे चीज़ पे, बट आप मतलब आपने खाली एंटर मार दिया और वो स्क्रिप्ट रन करना शुरू कर दे, तो ऑटोमेटेड अटैक होगा, राइट? थोड़ी बहुत कस्टमाइजेबिलिटी हो जाती है कि आप इसमें आईपी एड्रेस स्पेसिफाई कर दोगे, या जो आपको जिस डोमेन को आप अटैक कर रहे हो उसका स्पेसिफिकेशन दे दोगे कि हम इसको अटैक कर रहे हैं, बट देन मोस्टली ऑटोमेटेड है। डिनायल ऑफ सर्विस होता है, जिसमें कि हम लोग जो सामने वाला सर्वर है या कोई सिस्टम है उस पे अगर वो कोई सर्विस कर रहा है, मान लो एक छोटा एग्जांपल लेते हैं पहले कि वाईफाई का, हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ है और उसमें जनरली जैसे कि मैंने बताया था कि टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन चलता जा रहा है, जितनी भी डिवाइसेज कनेक्टेड है सारे के सारे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, और जो हमारा वाईफाई है उस ब्रॉडकास्ट को रीड करके उसके रिप्लाईज देता रहता है, जो कि हमारे डेटा ट्रांसमिशन में काम आता है। तो अगर मैं कुछ ऐसी रिक्वेस्ट भेजने लगूँ उसको जिसका उसको रिप्लाई देना जरूरी हो, एग्जाम्पल के लिए एआरपी कमांड होता है, जिसमें कि हम लोग एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल कर रहे हैं कि कौन से आईपी एड्रेस पे कौन सा मैक एड्रेस वाला सिस्टम कनेक्टेड है, कौन सी डिवाइस कनेक्टेड है, तो ये चीज़ हम लोग राउटर से करवाते हैं कि यार हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे राउटर को, राउटर बोलेगा कि अच्छा इस आईपी एड्रेस पे ये कनेक्टेड है, इस आईपी एड्रेस पे ये कनेक्टेड है, एंड सो ऑन। वो बेसिकली एक एक प्रोटोकॉल सेट है, और हम उसके इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे कि वो प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, क्योंकि फिर वो एक अलग ही जो है डिफरेंट और इन डेप्थ सब्जेक्ट हो जाएगा। बट बेसिकली वो एक जैसे मैंने उसको क्वेश्चन पूछा उसका एक आंसर करने वाला है मेरे को। तो अगर मैं उसको बहुत सारे रिक्वेस्ट भेज दूँ एक साथ, 100 रिक्वेस्ट, 1000 रिक्वेस्ट एक साथ भेज दूँ, ए आर पी 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 करके, उसको सबका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि वो राउटर बिजी हो जाएगा, और अगर कोई जेनुइन सर्वर या कोई डिवाइस जो है उसको जो है कोई रिक्वेस्ट भेजेगा उसका जवाब ही नहीं दे पाएगा, एक लाइन लग जाएगी ना कि उसको पहले सारे जो हमारे ए आर पी के रिक्वेस्ट है उसके रिप्लाईज देने हैं उसको, राइट? तो वहां पे हमारा डिनाइल ऑफ सर्विस सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि एक जेन्युइन डिवाइस, यानी कि जो और किसी सिस्टम सिस्टम जो हमारे वाईफाई पे है, नेटवर्क पे है, वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, उसको सर्विस को डिनाई किया जा रहा है। तो एक बेसिक से एक डिनाइल ऑफ सर्विस हो गया। अब किसी वेबसाइट की बात करें तो किसी वेबसाइट पर मैं बहुत सारे रिक्वेस्ट भेज दूँ, कोई बहुत सारे गेट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट कोई भी ऐसे भेज दूँ बहुत सारी, तो वो सर्वर बिजी हो जाएगा, और फिर कोई अगर जेन्युइन कोई लेजिटिमेट यूजर जो है ट्राई करेगा उसको डिनाइल हो जाएगा सर्विस का, इन भी डिनाइल ऑफ दैट सर्विस। इसी की जैसे एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, जिसमें कि हम लोग एक सिस्टम से नहीं, मेरे पास एक आर्मी है बहुत सारे सिस्टम से, जिससे मैं इकट्ठे कई सारे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो इससे तो कुछ ज्यादा ही बॉम्बार्डमेंट हो जाएगी सर्वर के ऊपर। इनफैक्ट अगर उस सर्वर ने मल्टीपल सर्वर एम्प्लॉय कर रखे हैं तो सारे के सारे सर्वर भी हम लोग डाउन कर सकते हैं ऐसे एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक से। ऐसा चीजें जो है कुछ टाइम पहले न्यूजीलैंड में भी हुई थी, इनफैक्ट आई थिंक 2-3 साल पहले की बात है, उनमें उनका जो स्टॉक मार्केट था वो ऐसे ही क्रैश कर दिया गया था, क्योंकि उसमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल सर्विस अटैक हुआ था और काफी लोगों का नुकसान हो गया था, क्योंकि सर्वर डाउन था तो लोग स्टॉक एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे, जिनका पैसा लटका हुआ था वो डे खत्म हो गया, उनके स्टॉक सारे डूब गए, राइट? तो ये एक डिनायल सर्विस यानी कि डॉस अटैक हो गया। वायरसेस, ट्रोजन्स हैं, आपके वर्म्स हैं, ये मालवेयर होता है हमारा, मेलिशियस सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग कहते हैं,
और अलग अलग टाइप के होते हैं। बेसिक से शुरू करेंगे वर्म से। वर्म का क्या काम होता है? वर्म का काम होता है कि वो किसी भी सिस्टम में जाएगा और खुद से रेप्लिकेट करना शुरू हो जाएगा। बेसिकली वो रेप्लिकेट कर करके फैलता जाएगा और मेमोरी कंज्यूम कर देगा, आपका मेमोरी चोक हो जाएगी। अगर आपके सिस्टम पे वर्म ने जो है इन्फेक्ट कर दिया है तो आपके वो वर्म अपने आप ही रेप्लिकेट करता चला जाएगा करता जाएगा। ऐसा नहीं कि वो कुछ आपके सिस्टम पे कर रहा है, आपका कोई डेटा स्टील कर रहा है, वो सब काम नहीं कर रहा है। वर्म का खाली काम ये है कि वो मेमोरी कंज्यूम कर रहा है रेप्लिकेट कर करके। रिजल्ट क्या होगा? आपको अगर अपना अपने सिस्टम चलाना चाहते हो तो वो आप यूज नहीं कर पाओगे, बहुत स्लो हो जाएगा। और वर्म की एक और खास बात ये कि वो नेटवर्क पे बहुत ज्यादा जल्दी फैलता है, यानी कि अगर आपके आप नेटवर्क पे कनेक्टेड हो, आपका वाईफाई कनेक्टेड है, तो वो आपके सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे भी चला जाएगा और नेटवर्क को भी चोक कर देगा, यानी कि कोई इंटरनेट भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, या अगर आप कोई डेटा शेयरिंग करें लोकली वो भी नहीं कर पाएगा। तो वर्म्स जो है स्पेशली इस चीज के लिए डिजाइन होते हैं। फिर आते हैं हमारे ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्सेस जो है, जैसे कि अगर आपने कहानी सुनी होगी ट्रोजन हॉर्स की, कि एक इनोसेंट लुकिंग जो एक स्कल्पचर था बहुत बड़ा सा ह्यूज हॉर्स का, जो कि गिफ्ट दिया गया था एक किंग को, और जब उन लोगों ने उसको अपने कैसल में ले लिया, अपने पैलेस में ले लिया उसको एज अ गिफ्ट, तो रात को उसके अंदर से आर्मी निकली थी पूरी, जो कि उन्होंने पूरा कैसल को जो है अंदर से अटैक कर दिया और फिर पूरा जो उनका टेक ओवर हो गया बेसिकली, राइट। तो ये कहानी, इसलिए उसका नाम ट्रोजन हॉर्स है, जो ये टाइप का मलिशियस सॉफ्टवेयर है, कि ये एक आपका एक लेजिटिमेट लुकिंग एप्लीकेशन, जैसे कि हम लोग विंडोज में कैलकुलेटर यूज करते हैं, एक ब्राउजर यूज करते हैं, चाहे वो कोई मीडिया प्लेयर हो, आपने उसी की जैसे एक एप्लीकेशन बना दी जो कि दिखने में हूबहू वैसे ही है, बट वो बैकग्राउंड में एक अलग प्रोसेस, एक अलग कोड रन करने वाली है, जो कि आपको दिखाई भी नहीं देगा अनलेस आपको पता हो कि मुझे कैसे देखना है। जैसे कि अगर हम टास्क मैनेजर को खोल के देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेस रन हो रही है, तब तुमको दिख जाएगा, राइट। बट वो वैसे एक जेनुअन, एक लेजिटिमेट लुकिंग एप्लीकेशन लगेगा, और वो बैकग्राउंड में क्या कर रहा है वो तो हैकर के भरोसे है कि हैकर ने क्या किया, उसको बोला है कि डेटा स्टील करना है या स्पाई करना है, वो सब बेसिकली जो हमारे स्पाईवेयर वगैरह होते हैं, जैसे कि आपका वेबकैम लोग एक्सेस कर लेते हैं, की लॉगर्स होते हैं जो आपकी की जो आपके स्ट्रोक्स होते हैं उनको जो है कैप्चर करते हैं कि क्या क्या टाइप कर रहा है बंदा। इनफैक्ट इसमें भी बहुत कसूर हो जाता है कि स्पेशलाइजेशन, वो देखेंगे कि बंदे ने जब एट द रेट समथिंग करके टाइप कर दिया, यानी कि वो ईमेल आईडी टाइप कर रहा है, तो उसके बाद जनरली वो पासवर्ड टाइप करने वाले, तो फिर उस पर स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। जब आपको आपने जो है की स्ट्रोक सारे रिकॉर्ड कर लिए, आप फिल्टर कैसे करते हो कि यार क्या चीज़ पासवर्ड है, क्या चीज़ यूजर नेम है, वो सब, तो वहाँ पे आप ऐसे टाइप की चीज इंप्लॉय करते हो कि अच्छा एट द रेट लगाया तो यहाँ पे ई मेल आया होगा, उसके नीचे पासवर्ड होगा। या अगर क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो नंबर्स को देखेगा कि कितने नंबर्स की सीक्वेंस है, उसके बाद क्या सीक्वेंस उसकी जो है CVV की आई है, बेसिकली वहां से वो फिल्टर करेगा। वायरसेस भी थोड़ा वर्म जैसे ही है, बट इन जनरल वो क्या करते हैं कि वो एक एप्लीकेशन है जो कि रन होगी, और वही जो आपके स्पाइवेयर वगैरह टाइप का कोई काम कर सकता है। काम के ऊपर तो हम लोग नहीं बात करेंगे, क्योंकि काम जो करने वाला है वो तो हैकर कोड करेगा कि इस वायरस का या इस मिलिशियस सॉफ्टवेयर का काम क्या है, बट जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो उसकी भी वायरस की भी रेप्लिकेटिंग है कि ये भी फैलता है और ये डिवाइसेज में फैलता है। अगर आपने पेन ड्राइव इंसर्ट करी तो पेन ड्राइव में भी आ जाएगा, किसी एप्लीकेशन के साथ बाइंड हो जाएगा और ऑटो रन हो जाएगा, यानी कि आपने सिस्टम ऑन किया वायरस भी साथ में रन हो गया। फिर हम लोग आगे आते हैं एक्सीडेंटल ब्रीचेस इन सिक्योरिटी। गलती से हो गया, आपने गलती से कोई अपना जो पासवर्ड, जो आप अगर आपके कंपनी में एक क्या होता है कि कंपनीज में हम लोग रेगुलरली सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए पासवर्ड्स को चेंज करते रहते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि अगर पासवर्ड हम लोग पुराने वाला यूज करेंगे और या फिर एक पासवर्ड में जो है काफी टाइम तक रख लिया, तो चांसेस होते हैं कि आप उसको जो है कॉम्प्रोमाइज करवा दोगे, क्योंकि इतना रेगुलर बेसिस पे चेंज हो रहा है, कोई ना कोई एम्प्लॉय गलती कर जाएगा और उस वजह से आपका पासवर्ड जो है गया और फिर आपका डेटा गया। तो इसलिए हम लोग रेगुलर बेसिस पे ऐसी पॉलिसीज रखते हैं कि पासवर्ड रैंडमली जनरेट होगा और चाहे डेली हो चाहे वीकली हो चेंज होते हैं, और जनरेट की करके उनको जो है कम्युनिकेट करना होता है कि अच्छा आज एम्प्लॉयज को बता दो कि ये वाला पासवर्ड चलेगा आज, राइट। ये सब अलग अलग कंपनीज में होता है, ऐसा नहीं कि हर कोई फॉलो भी करे, बट एक अच्छी जो है पॉलिसी होती है पासवर्ड चेंज करना, रोटेट करना, रिसाइकल करना, जिससे कि आप जो हो इस कॉम्प्रोमाइज से बच सकते हो, जो कि ह्यूमन एरर से आता है, जिसके ऊपर हम लोग आने वाले हैं अभी। तो एक्सीडेंटल कई बार हो जाता है कि पासवर्ड किसी का रह गया, या कोई पेन ड्राइव थी वो आपने गलती से अपने सिस्टम में इंसर्ट कर ली, आपको लगा था कि नॉर्मल पेन ड्राइव, बट वो मेलिशियस पेन ड्राइव थी, किसी ने जानबूझ के यहाँ पे रखी थी, या इन जनरल कोई आपकी कंपनी में आया और उसने जो है देख लिया कि कैसे काम कर रहा है, उसने डेटा भी एक्सेस कर लिया खुद ही, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी लैप्स हो गई कहीं पर। तो ये सब एक्सीडेंटल है कि यार गलती से हो गया मोस्टली, या फिर ह्यूमन एरर वगैरह की वजह से हो गया। फिर ऑर्गेनाइजेशनल अटैक्स, यानी कि इसमें कि एक पूरी पूरी कंपनी को जो है या पूरी पूरी गवर्नमेंट को भी लोग अटैक करते हैं, और ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं, यानी कि मैं अकेला अटैक नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि वॉन्नक्राय का मैंने नाम लिया था कुछ टाइम पहले, या फिर
ऐसे ही और भी होंगे जो कि एक पूरा ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसको हैक कर रहे हैं। तो उनके पास जो, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, स्किल्स बढ़ जाते हैं, नॉलेज बढ़ जाती है और उनका काम करने का तरीका काफी जो है ऑप्टिमाइज हो जाता है। वो जल्दी अटैक कर सकते हैं और ज्यादा डेटा जो है एक्सेस कर सकते हैं, लीक कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास मैन पावर ज्यादा है। तो इन अटैक्स का सिवियरली डैमेज होता है और ये बहुत लार्ज स्केल पे करते हैं, गवर्नमेंट्स को भी दिक्कत दे देते हैं। इनफैक्ट एक एग्जाम्पल ले तो कुछ टाइम पहले ईरान में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी थी जिसमें कि ऐसे ही एक पेनड्राइव का सीन हुआ था, उसको हम लोग कहते हैं स्टक्सनेट वायरस करके था वो चीज। तो किसी को पता नहीं था कि वो पेनड्राइव का क्या सीन है, किसी ने गलती से इंसर्ट कर दी अपने सिस्टम में उस न्यूक्लियर फैसिलिटी में। तो वो पेनड्राइव क्या करती है, आपने उसको सिस्टम में लगाया और आपके सिस्टम में वायरस आ गया, बस वहां तक ही काम था उसका, पेनड्राइव का। उसके बाद वो वायरस अपने आप ही रेप्लिकेट हुआ, और क्योंकि वहां पे जो डिवाइसेस कनेक्टेड थे आपके, जो जैसे हमारे थर्मोस्टैट होता है वैसे ही उनके न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए भी ऐसे डिवाइसेस थे जो कि कंट्रोल करते थे कि न्यूक्लियर का आपका आउटपुट कितना होना चाहिए, इनपुट कितना होना चाहिए, किस रफ्तार से काम करना चाहिए वगैरह। तो वो डिवाइसेस कनेक्टेड थे, वो इंटरनेट पर नहीं थे, वो लोकल नेटवर्क पे थे। इनफैक्ट वो शायद ब्लूटूथ से भी कनेक्टेड थे। तो ये वायरस को डिजाइन ही ऐसा किया गया था कि ये उन इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस पे जो जाके कनेक्ट हुआ, स्प्रेड हुआ और रिमोटली फिर उसको एक्सेस कर सकते थे। तो जिस बंदे ने वायरस बनाया था, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने वायरस बनाया था, इस पर काफी जो है कॉन्स्पिरसीज वगैरह हैं कि किसने काम किया है, बट जिसने भी वो बनाया था उन्होंने क्या किया, फिर उसके जो आउटपुट था उसको कम कर दिया न्यूक्लियर फैसिलिटी के, जिससे कि उनका जो प्लांट था वो काफी डैमेज हुआ, प्रोडक्शन कम हो गई, इनफैक्ट मनी मॉनिटरी लॉसेस काफी ज्यादा हुए थे। राइट, तो इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन आपका अटैक्स होते हैं। और जो सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा है सोशल इंजीनियरिंग, इसको मैं लास्ट में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज ऐसी है जिसमें कि नॉट एग्जैक्टली आपका कमांड, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या कोडिंग स्किल्स चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए ह्यूमन वाले स्किल्स कि इंसान को कैसे बेवकूफ बनाना है। लोग क्या करते हैं कि फिशिंग वाले ईमेल्स भेजते हैं, या किसी कंपनी में कोई अगर एम्प्लॉय है तो उसको फूल करने की कोशिश करते हैं कि वो कोई इंफॉर्मेशन दे दे जो कि आगे अटैक में काम आ जाए, चाहे वो कोई पासवर्ड हो, चाहे वो कहीं से उसको बैकडोर एंट्री मिल जाए, चाहे उसके थ्रू वो पेनड्राइव किसी को जो है सिस्टम में इंसर्ट करा दे कि अच्छा ये वाली पेनड्राइव जो है उसने एक्सचेंज कर दी, आपके घर पर आके पेनड्राइव एक्सचेंज करके चला गया, कल आपने वाली पेनड्राइव यूज करी और आपका काम खत्म। तो ये सब हमारा सोशल इंजीनियरिंग में आता है, यानी कि सोसाइटी, सोशल, आप ह्यूमन एरर्स पे काम कर रहे हो। राइट, तो इसका तो एक अलग ही इनकी ट्रेनिंग्स होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते काम, आप जो है जैसे यहाँ पे आप सारे जो है ऑटोमेटेड अटैक्स के लिए मान लो आपने जो है फायरवॉल्स लगा दी जो कि इस टाइप के अटैक्स को ब्लॉक कर सकती है, क्योंकि ये तो ऑटोमेटेड यानी कि सेम अटैक हर बार होने वाला है ना, कोई भी बंदा इसमें कस्टमाइजेशन नहीं करने वाला, सेम टूल रन करने वाला। तो आप, तो आपको पता है सारे अटैक्स कौन से नोन अटैक्स है, तो आपको ब्लॉक कर सकते हो अपने फायरवॉल्स पे। सेम डिनायल ऑफ सर्विस का है, अगर मैं अपने जैसे आप किसी वेबसाइट को डाउन करना चाहते हो डिनायल ऑफ सर्विस करके, आपने यहाँ पर लिमिट लगा दिया कि एक डिवाइस से 3 या 4 या 5 की रिक्वेस्ट आएंगी इतने टाइम के अंदर, तभी अलाउड है, नहीं तो अलाउड नहीं है। या फिर आपने बीच में कैप्चा डाल दिया जो आता है ना कि प्रूफ दैट यू आर नॉट अ बॉट, यू आर अ ह्यूमन करके जो कैप्चा आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि कोई ऑटोमेटेड टास्क वगैरह ना रन हो रहा हो, कोई कोड ना रन हो रहा हो, उसको ब्लॉक करने के लिए। वायरस ट्रोजन के लिए आप एंटीवायरस वगैरह यूज कर लोगे, क्योंकि अगेन वायरस ट्रोजन जो एक ऑर्डिनरी टर्म्स में देखा जाए तो कोई नया वायरस नहीं शेयर करेगा, अगर करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन वाले जो लोग हैं जो कि क्राफ्ट करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया था, क्राफ्ट किया गया था वैसा होगा, बट अदरवाइज जो सारे नोन वायरसेस वगैरह हैं इनका डेटाबेस मेंटेन किया जाता है आपके जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वगैरह हैं उनके साथ। और अगर आप अपना एंटीवायरस को अपडेट अप टू डेट रखते हो तो ये इस चीज से भी आप प्रोटेक्टेड रह सकते हो, एक्सीडेंटल ब्रीचेस से भी आप प्रोटेक्टेड रह सकते हो, एक अच्छी सिक्योरिटी पॉलिसी बना के कि ये सारे लैपसेस ना आए, पासवर्ड को कैसे डिलीवर करना है उसको स्ट्रिक्ट रख लिया आपने, क्या प्रोसेस रखोगे वो सब, और आपके बिल्डिंग में सिक्योरिटी कैसी होगी, घर में सिक्योरिटी कैसी होगी, कैसे सिस्टम, अगर आप एक वीपीएन यूज कर रहे हो तो वीपीएन के क्या क्रेडेंशियल्स रहने वाले हैं, वो सब करके आप इन सबको भी मिनिमाइज कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशनल अटैक्स को आप जो है, खैर ये तो अननोन, ये तो जैसे एक अननोन चीज हो गई, आपको ये नहीं पता कि कब होगा कैसे होगा, क्योंकि ये तो खुद से क्राफ्ट कर रहे हैं। राइट, ये वाली बात जो आती है ना सोशल इंजीनियरिंग की, यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स या टेक्निकल आपके जो डिफेंसेस है वो काम ना करके यहाँ पे ट्रेनिंग्स काम आती है कि अगर मैं एक एथिकल हैकर हूँ या मैं एक पेनिट्रेशन टेस्टर हूँ जिसको हायर किया गया है कंपनी के द्वारा, तो मैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स भी करूंगा, मैं ऐसे ईमेल्स भेजूंगा फिशिंग वाले, या मैं पोच करने की कोशिश करूंगा क्लाइंट्स को कह रहा हूँ सॉरी, जो आपके जो एम्प्लॉयज है उनको, जिससे कि मुझे पता चले कि कहाँ पे लैप्सेज हैं, कि कौन से लोग ऐसे हैं जो कि इस पर वल्नरेबल है, उनको ट्रेनिंग दी जाए कि आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई करो। राइट, कि अगर ऐसा ईमेल आ रहा है तो आप उसको ऐसे वेरीफाई किया करो, ये पॉलिसी रख दी या उनको सिखा दिया बेसिकली। तो ये एक ह्यूमन वाला फैक्टर है जिसमें कि हम लोग टेक्निकल ट्रेनिंग ना देके एक ह्यूमन ट्रेनिंग देते कि इसको ऐसे करना है। हालांकि सोशल इंजीनियरिंग में भी हम लोग जो है अपना मशीन को लेके आ रहे हैं, हमारा मशीन लर्निंग आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, जिसमें कि हम लोग
ईमेल्स वगैरह को भी स्पैम वगैरह में फिल्टर कर देते कि अच्छा ये ईमेल आया, ये स्पैम है, बेस्ड ऑन जितने भी उन्होंने डेटा सेट पर ट्रेनिंग दी हुई हमारे मॉडल को. नाउ थिंकिंग लाइक अ हैकर, टू कैच अ थीफ वी नीड टू थिंक लाइक अ थीफ. दैट इज द बेसिस ऑफ एथिकल हैकिंग. यू शुड इंक्रीज योर नॉलेज एज हैकर्स डू टू डिफेंड योर सिस्टम्स अगेंस्ट देम. यू मस्ट थिंक लाइक देम. As an ethical hacker, it is your responsibility to be aware of what actions hackers engage in and how to counter them. To foil a hacker's attempts, you need to be aware of what to look for and how to use that knowledge. So rather than hacking, it's security, it's testing. So kehna kya chah rahe hum log? Basically, jaise ki ye bahut popular movie hai Dhoom, jisme ki chor ko chori karte hue pakad sakte ho ya fir ek chor ki tarah sochna padta hai. To basically wahi hai ki agar aap एथिकल हैकिंग कर रहे हो इसीलिए कि आप अपने को अप टू डेट रखो. जितने लेटेस्ट टूल्स एंड लेटेस्ट एक्सप्लॉइट्स आपको अवेयर रहना पड़ता है कि अच्छा कल माइक्रोसॉफ्ट में ये वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट हुई है तो ये कैसे काम करती है, इसमें क्या डिफेंसेस ये हैं, क्या डेटा एक्सप्लॉइट हुआ था, कैसे इससे बच सकते हैं, क्या प्रिवेंशन है, वो सब जितना भी एनालिसिस आपको पता होना चाहिए. इससे क्या होगा कि आप बाकी सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर पाओगे. एंड दैट इज वन थिंग. दिस नॉलेज अबाउट लेटेस्ट टेक्निक्स एंड वगैरह इज वन थिंग. इट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि आप इस चीज में इन्वॉल्व रहो लाइक अ हैकर. जैसे कि एक चोर है वैसे ही आप इन्वॉल्व रहो, जैसे कि आप जो है प्रैक्टिस में रहोगे. क्योंकि हैकर्स जैसे कि बताया था कि शुरू में बता दिया कि हमारे जितने डिवाइस बढ़ते जा रहे हैं हमारी सिक्योरिटी भी उसके हिसाब से बढ़ रही है. तो सिक्योरिटी जैसे जैसे बढ़ रही है उसमें ऑल वल्नरेबिलिटीज नई नई निकल के आती है. क्योंकि ये तो एक एवर ग्रोइंग फील्ड है, इसको आप परफेक्ट नहीं कर सकते कि परफेक्ट ही बोल दे कि यार अब हमारा सिस्टम सिक्योर है, अब इसमें कोई अटैक नहीं हो सकता. ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ह्यूमन है जो कि एरर कर सकता है. क्योंकि अल्टीमेटली मशीन को ह्यूमन ही कंट्रोल कर रहा है. और इनफैक्ट अगर आप खाली सारा मशीन पे भी छोड़ दोगे तब भी उसमें अगर हम लोग मशीन लर्निंग की भी बात करें तो हमारे एडवर्सरियल मशीन लर्निंग होती है जिसमें कि हम लोग अटैक भी कर देते हैं ऐसे मॉडल्स के ऊपर. तो जो है ये जो हमारा मशीन ओनली मॉडल है वो भी काम नहीं करेगा, ह्यूमन्स की जरूरत है. और इसी वजह से हमारा सिक्योरिटी कभी 100% नहीं हो सकती. कुछ ना कुछ फ्लॉज रह जाते हैं जिसको लोग एक्सप्लॉइट करते हैं. तो हम लोग को जैसे होते हैं कि टू एंड फ्रो चलते रहना पड़ता है. हैकर ने कुछ किया तो हम लोग भी अपना को अप टू डेट कर लें कि अच्छा ऐसा होता है और हम लोग बाकी सिस्टम जिसको हम लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसमें वो सब चीजों को फिक्स करें. तो इट इज इम्पोर्टेंट टू थिंक लाइक अ हैकर. अब हम लोग उसके जो उसका जो काम होता है जो प्रोसेस होता है उसमें आते हैं. और ये चीज मैं थोड़ा पहले बता चुका हूँ. रिकॉग्निशंस हमारा जो है जिसमें कि हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, गैदरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन. फिर है स्कैनिंग. आपने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है उसके बाद आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन उससे यूज करके अटैक करने वाले हो वो आपका स्कैनिंग में आ जाता है कि यार इसमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. एक्सक्यूज मी. सो स्कैनिंग आपने कर ली उसके बाद होता है गेनिंग एक्सेस. और यहां तक तो मैंने देख लिया था गेनिंग एक्सेस की आपने एक्सेस गेन कर ली. क्लियरिंग ट्रैक्स भी देख लिया था कि आपने एक्सेस गेन करने के बाद. ये मेंटेनिंग एक्सेस क्या है? मेंटेनिंग एक्सेस ये है कि आपने एक बार एक्सेस गेन कर ली तो क्या आप खाली वन टाइम के लिए कर रहे थे? अगर आपने किसी का अकाउंट हैक किया है मान लो तो क्या वो वन टाइम था कि आप खाली एक बार आपने एक्सेस कर लिया उसके बाद आपको दोबारा अगर हैक करना है तो आपको पूरा शुरू से करना पड़ेगा, दोबारा से पूरा प्लान बनाना पड़ेगा वो है. या फिर आपने कोई बैकडोर एंट्री तैयार कर दी है जिससे कि आप दोबारा से अगर एक्सेस करना चाहो तो वहीं से रिज्यूम कर सको. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हैकर्स करते हैं, हमारे प्रोसेस में आता है. Why? Because obviously हम लोग दोबारा से पूरा प्रोसेस नहीं करान करना चाहेंगे. और क्लियरिंग ट्रैक्स में इंपॉर्टेंट है यानी कि अगर आप पकड़े ना जाओ बेसिकली जो भी आपने किया है. तो मेंटेनिंग एक्सेस में क्या है कि मैंने जो भी प्रोसेस फॉलो किया है उसको मैं क्लियर कर दूं और एक बैकडोर बना दूं जिससे मैं दोबारा एंटर कर सकता हूं ताकि कोई निशान ही ना रहे मेरे कभी आने का और मैं उसको कभी भी आता जाता रहूं. अगर एग्जांपल लें इंस्टाग्राम या किसी ऐसी सर्विस का जिसमें कि आप मान लो हैक कर रहे हो तो आपने एक बार एक्सेस कर लिया, आपने लॉगिन कर लिया, किसी भी तरीके से आपने जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है कि आपको जो है ओटीपी डालना पड़ता है वो सब आपने क्रॉस कर लिया, आप अकाउंट में आ गए हो, आपने लॉगिन कर लिया है. तो अब इंस्टाग्राम में क्या है, खाली एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसमें बैकअप कोड्स होते हैं जिससे कि आप अगर आपके पास फोन नहीं है आपको ओटीपी आप जो एक्सेस नहीं कर सकते वो बैकअप कोड यूज कर सकते हो. तो अगर मैं हैकर हूं तो मैं वो बैकअप कोड्स ले लूंगा और उनको अपने मेंटेनिंग एक्सेस वाले स्टेप के लिए यूज करूंगा. यानी कि दोबारा कभी मेरे लॉगिन करना होगा तो मैं ओटीपी के भरोसे नहीं रहूंगा. मान लो मैंने पहली बार तो उनका जो है फोन में देख लिया क्या ओटीपी था, हो सकता है अगली बार मैं उनका फोन ही ना हो और मुझे दोबारा से करना है तो फिर मैं वो बैकअप कोड यूज करूंगा. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. हालांकि ये जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है इसको ब्रेक करना भी इतना इजी नहीं होता, इसके लिए भी काफी जो है कष्ट होता है. तो बात करेंगे सबसे पहले स्टेप वन रिकॉग्निशंस. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एथिकल हैकिंग. इट इज कॉल्ड
footprinting and information gathering phase. This is a preparatory phase where we collect as much information as possible about the target. We usually collect information about three groups, chahe wo network ho, host ho, ya people involved ho. Kis network mein hai, usme kaun kaun se host hain, kaun kaun se devices connected hain, aur people kaun kaun se involved hain, unke bare mein information. Ab hum baat kare to case type ki information, naming conventions, kya naam hai, agar koi devices unke naam ka jo order hai, kaisa hota hai, kis type se naam rakhe jaate hain, services on the network, kaun kaun se service run ho rahi hain. अब सर्विसेज क्या होती है, जैसे हम लोग अगर ब्राउजिंग कर रहे हैं तो हम लोग HTTP सर्विस यूज कर रहे हैं या फिर HTTPS यूज कर रहे हैं. अगर मैं कोई फाइल शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ तो वहाँ पे FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, तो एक अलग सर्विस हुई. अगर मैं एक रिमोटली अपने सिस्टम को कंट्रोल कर रहा हूँ, चाहे वो TeamView जैसे कोई एप्लीकेशन हो या फिर एक विंडोज पर रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल होता है RDP वो हो, तो उसकी भी एक अलग सर्विस होती है. अगर मैं कोई सर्विलेंस कैमरा है, मैंने CCTV कैमरा लगा रखा है अपने घर में लगा रखा है, उसको ऑफिस से जो है देखना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है. दृश्यम सबने देखिए कि वो जैसे मॉनिटर करता था अपनी चीजों को, वैसे ही है कि मैंने लगा रखा है, मैं रिमोटली उसको मॉनिटर कैसे करूँ, तो उसके लिए एक सर्विस रन होती है. राइट, IP एड्रेसेस क्या है, सर्वर्स हैंडलिंग वर्कलोड्स एंड कौन से सर्वर्स हैं, उनका वर्जन क्या है, राइट, कितने सर्वर्स हैं, नेम्स एंड लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऑफ यूजर्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क. ये इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है मिल जाए, बट जितना मिल जाए उतना अच्छा. नाम मिल जाए, लॉगिन क्रेडेंशियल, अगर उनका ईमेल भी मिल जाता है वो भी काफी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, कि उसके बाद आप उस पर बिल्ड कर सकते हो कि अच्छा इस अकाउंट को हम लोग टारगेट करने वाले हैं. फिजिकल लोकेशन ऑफ द टारगेट मशीन, ये भी इंफॉर्मेशन. और ये जो लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें और भी जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो करो. ये खाली कुछ चीजें हैं जो मैंने पॉइंट आउट कर दिया ताकि आप सोच सको कि किस किस टाइप की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हम लोग. फिजिकल लोकेशन का काम ये है कि यार जब आपको पता होगा, मान लो ऑफिस जो है मुंबई में है या दिल्ली में है, पुणे में है, कहीं पे भी है, तो आप उसको फिजिकली भी जो है एक आपका जो एस्पेक्ट एक पर्सपेक्टिव ला सकते हो कि अच्छा मुझे अटैक करना है तो मैं पहले उसकी फिजिकल जाके देख सकता हूँ बिल्डिंग के अंदर कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इक्विपमेंट है जो मेरे फुटप्रिंट के टाइम पे, वो सब चीजें देख सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाएगा. घर बैठे तो शायद मुझे ज्यादा अच्छे जो है पिक्चर ना मिल पाए जो कि मुझे शायद रियल लाइफ में मिल जाए, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. और वहां जाकर देखोगे कि कौन लोग हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्या सिक्योरिटी पोस्चर है, जो शुरू में जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है वो एंट्री कराता भी है कि नहीं कराता. अगर वो नहीं कराता तो आपके लिए बल्ले बल्ले कि यार कोई भी अंदर जा सकता है, तो फिर क्यों नहीं, राइट. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर करते हैं इस फेज में. दो तरीके हमारे फुटप्रिंटिंग के जो हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव. एक्टिव यानी कि डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द टारगेट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट, लाइक हम लोग जब एनमैप यूज करेंगे, अभी मैं आपको बस इसका प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ. तो एनमैप जैसे होता है, नेटवर्क मैपर होता है कि नेटवर्क पे हमारे क्या क्या चीजें कनेक्टेड हैं, कौन कौन से डिवाइसेज हैं, और उसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. तो ये सब हम लोग डायरेक्टली टारगेट से एंगेज कर रहे हैं. मैंने कोई कमांड भेजी है सिस्टम नेटवर्क पे जो कि मुझे रिप्लाई कर रही है, यानी कि मैं सिस्टम के उस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो एक्टिव हो जाता है, सॉरी. और पैसिव यानी कि मैं उस सिस्टम या उस टारगेट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ. अब चाहे वो मैं जो हूँ पैसिवली कर रहा हूँ कि जैसे मैं सोशल मीडिया उनके जो उनका इंस्टाग्राम की फोटोज देख रहा हूँ, उनका फेसबुक प्रोफाइल देख रहा हूँ, दूर से ही मैं देख रहा हूँ सर्विलेंस रखिए कि अच्छा बिल्डिंग में कौन जाता है, कौन आता है, कौन कितने बजे आता है, वो सब पैसिव है, यानी कि मैं डायरेक्टली टारगेट्स को एंगेज ही नहीं कर रहा हूँ. एक्टिव में ये भी आ जाता है, अगर मैं किसी फिशिंग एक अटैक करना चाहता हूँ या फिर मैं एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक करना चाहता हूँ, तो अगर मैं किसी टारगेट से बातें भी कर लेता हूँ ना जाके, तो सब एक्टिव फेज में आ जाता है कि मैं किसी भी तरीके से एंगेज कर रहा हूँ. इन लोगों को डिफ्रेंशिएट इसलिए किया गया है क्योंकि एक्टिव में आप कहीं पे कुछ लॉग या कहीं पे आप जो है इन्वॉल्व हो रहे हो. अगर आपने किसी से इंटरेक्शन किया तो आपको बंदा पहचान लेगा, अगर आपने कोई डिवाइस को एक्सेस किया है तो आपके सर्वर लॉग में आपकी डिवाइस का नाम आ जाएगा, IP एड्रेस आ जाएगा, तो वहां पे फिर आपको कुछ और प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं. पैसिव में ये वाली चीज नहीं है क्योंकि पैसिव में तो कोई भी जो है एक्सेस कर सकता है, किसी का फेसबुक अगर पब्लिक है कोई भी देख सकता है, इंस्टाग्राम पब्लिक है तो सारी फोटोज देख सकता है कोई भी, या अगर आप दूर से देख रहे हो तो किसी को पता थोड़ा ना कि आप जो है ऑब्जर्व कर रहे हो. तो ये सब पैसिव में, यानी कि थोड़ा ये अपने आप को बचा के चल रहे हो आप इसमें. आप हालांकि इसमें इन्फॉर्मेशन भी लिमिटेड ही मिलती है हम लोगों को. एक्टिव में ऑब्वियसली ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो हम लोगों को चाहिए, पर पैसिव में थोड़ी ऐसे कम आएगी. बट कई बार हम लोग को जूसी इन्फॉर्मेशन, जूसी हम लोग बोलते हैं जैसे कि जिसमें कि कुछ सब्सटैंशियल मिल रहा है कि इस पर हम लोग अटैक बना सकते हैं अपना, तो वो होती है. बिफोर वी मूव ऑन टू स्कैनिंग, इनफैक्ट आई थिंक ये भी थोड़ा एक्सप्लोर कर ही लेते हैं पहले. जो स्टेप टू था हमारा स्कैनिंग, तो थ्री टाइप्स ऑफ स्कैनिंग आर इन्वॉल्व्ड: पोर्ट स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग और नेटवर्क मैपिंग. पोर्ट स्कैनिंग में क्या, दिस फेज इन्वॉल्व्स स्कैनिंग द टारगेट फॉर द इन्फॉर्मेशन लाइक ओपन पोर्ट्स, लाइव सिस्टम्स, वेरियस सर्विसेज रनिंग ऑन द होस्ट, बेसिकली कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है. अब पोर्ट क्या होता है, वेल जैसे हमारे सिस्टम्स में फिजिकल पोर्ट्स होते हैं ना, कि जैसे अब USB-C लगा हुआ है या एक USB-A है
ऑक्स का केबल है, चार्जिंग पोर्ट है, ये सारे में नॉर्मल पोर्ट्स हैं, फिजिकल पोर्ट्स हैं, ये एक नेटवर्क का पोर्ट आपका जो इथरनेट पोर्ट होता है। तो ये उसी तरीके से है, हमारे सिस्टम वर्चुअली एग्जिस्ट करते हैं और इनका काम थोड़ा उसी जैसा ही है, बट मतलब हाउ दे सेम एंड हाउ दे डिफरेंट। वेल, जो हमारे फिजिकल पोर्ट्स होते हैं अलग अलग सर्विस के लिए यूज होते हैं। मान लो आपको जो इथरनेट पोर्ट है वो खाली नेट के लिए यूज होने वाला है, चार्जिंग पोर्ट चार्जिंग के लिए यूज होने वाला है, यूएसबी ए पेन ड्राइव उस टाइप की चीज़ों के लिए यूज होने वाला है, अलग अलग तरीके से हमें डिफरेंशिएट कर सकता है, कर रखा है। इसी वजह से आप अपने सिस्टम में मल्टीपल सर्विसेज एक साथ एक्सेस कर सकते हो। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि यार आपके पास खाली एक ही पोर्ट है, मैं यहाँ पे एप्पल का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनके सिस्टम में ऐसे ही होता है कि आपके सिस्टम में खाली एक ही पोर्ट है, तो आप एक बार में ज्यादा सर्विसेज एक्सेस नहीं कर पाओगे। मान लो आपके सिस्टम में खाली दो यूएसबी सी पोर्ट दे दिए, तो आप एक से चार्जिंग कर रहे हो, एक से पेन ड्राइव लगा रहे हो, आप फिर इथरनेट का केबल कहाँ लगाओगे, राइट? तो आपको मिनिमम हो गया, मतलब मिनिमाइज किया गया। तो अगर आपके पोर्ट्स कम होंगे तो आपको दिक्कत आएगी, और क्योंकि मतलब अगर मेरे पास अलग अलग टाइप के पोर्ट्स हैं तो मैं अलग अलग सर्विसेज एक साथ रन कर सकता हूँ। सेम स्ट्रैटेजी है वर्चुअली, हम लोग अगर अलग अलग सर्विस रन करना चाहते हैं कि मैं एक साइड अपने ब्राउजर पे सर्फिंग करना चाहता हूँ, मैं सीसीटीवी फुटेज भी देखना चाहता हूँ, मैं यूट्यूब वीडियो भी देखना चाहता हूँ, मैं साथ साथ कोई फाइल डाउनलोड भी कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें एक साथ रन करने के लिए अलग अलग पोर्ट नंबर्स होते हैं। यहाँ पे पोर्ट फिजिकल पोर्ट नहीं है, पोर्ट नंबर्स है, राइट? हमने पोर्ट नंबर असाइन किया हुआ है कि अगर इस पोर्ट नंबर की रिक्वेस्ट भेजी गई है तो उसका रिप्लाई भी उसी पोर्ट नंबर पर आएगा, और फिर उसको रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन, अगर आप ब्राउजर पे हो तो ब्राउजर पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके, या फिर अगर आप कोई आपने कोई एप्लीकेशन चला रखी है जिसमें कि कुछ और चीज़ हो रही है तो उस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो सिस्टम उसको सेग्रीगेट कर पाता है, यानी कि आपका सिस्टम मल्टीटास्किंग कर पाता है बिकॉज ऑफ दीज पोर्ट नंबर्स। तो हम लोग पोर्ट स्कैनिंग में देखते हैं कि आपका जो भी टारगेट नेटवर्क है, टारगेट सिस्टम है, उसमें क्या क्या सर्विसेज रन हो रही है, क्या क्या पोर्ट्स ओपन है जिसको आप लोग एक्सेस कर सकते हो, राइट? वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग होती है, चेकिंग द टारगेट फॉर वीकनेसेस और वल्नरेबिलिटीज विच कैन बी एक्सप्लॉइटेड, यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटेड टूल्स, राइट? आप देखते हो कि कौन से सर्विस रन हो रही है, सर्विस का वर्जन क्या है, उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर कोई सर्विस ऐसी रन हो रही है जिसमें कि कोई एक्सप्लॉइट ऑलरेडी रन हो सकता है, जनरली लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम को अप टू डेट नहीं रखते। अब तो क्या सिक्योरिटी पॉलिसीज ऐसी आती हैं कि जो आपको अपडेट्स आते हैं उसके साथ में कुछ ऐसे फीचर्स दी जाती है जिससे कि आपको जो है थोड़ा मिलता है, इनकरेजमेंट मिलती है अपडेट करने का, कि नया अपडेट आया है, इसमें ये सारे नए फीचर्स हैं, इस वजह से मैं अपडेट कर लेता हूँ, कि इसमें डार्क मोड आ गया, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ गया, फिर अपडेट कर लेते हैं। वो एक कह सकते हो कि अपडेट करवाने के लिए आपको पुश दिया जाता है, इनकरेजमेंट दी जाती है। साथ में क्या हो रहा होता है कि जितने भी बग्स होते हैं या जितनी वल्नरेबिलिटीज होती है उनको फिक्स किया जा रहा होता है। अगर आपको ये सब जो अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो हो सकता है आपके सिस्टम में एग्जिस्टिंग कोई वल्नरेबिलिटी हो जिसको लोग एक्सप्लॉइट कर सके। आप बोलोगे कि यार उसको कैसे पता चलेगा अटैकर को कि मेरे सिस्टम में वल्नरेबिलिटी है, मैं थोड़ा ना कहीं जो हूँ एडवर्टाइज कर रहा हूँ कि मेरे सिस्टम में वल्नरेबिलिटी है, मैंने जो है अपडेट नहीं किया चीज़ों को। इसको भी हम लोग भी थोड़ी देर में देखने वाले हैं कि हैकर्स आखिर करते क्या क्या चीज़ें हैं। फिर नेटवर्क मैपिंग की फाइंडिंग द टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क्स, routers, firewalls, servers, if any, and host information, and drawing a network diagram with the available information. This map may serve as a valuable piece of information throughout the hacking process. Right? तो ये हमने scanning के बारे में देख लिया है और हमने पहले जो reconnaissance था वो देख लिया था। तो अब इनका थोड़ा सा हम लोग जो है एक demo करके देखते हैं कि आखिर ये चीजें हैं क्या। तो मैं अपना एक browser खोल लेता हूँ और हम लोग start करेंगे बहुत basic चीजों से, यानी कि गूगल सब लोग यूज करते हैं हम लोग, और जितने हम लोग को आंसर चाहिए होते हैं हम लोग को गूगल दे देता है, राइट? तो सबसे पहले गूगल ही खोल लेता है। तो दिस इज माय गूगल, राइट? पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप ले सकते हो। बट क्या आपको पता है कि इसको हम लोग हैकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं? कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं, राइट? तो जैसे मान लो हम लोग स्कूल में होते हैं जब, तो हम लोग को कई बार बोल दिया जाता है कि यार एक इस टॉपिक पे, मान लो हम लोग बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पे पीपीटी बना के लिखे हो, तो सबसे पहले बंदा क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग सर्च करता है, इसके बारे में देखता है कि क्या क्या लिखा हुआ है। कुछ लोग जो थोड़े आलसी होते हैं, क्योंकि जब हम लोग कोडर्स बनते हैं तो हम लोग थोड़ा सा हमारा जो आलस होता है ना वो काफी काम आता है। क्यों? क्योंकि जो लोग आलसी होते हैं वो अच्छा कोड लिख देते हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं कि मैं बार बार सेम चीज करूं। तो अगर एक चीज मुझे एक से मतलब कोई भी चीज अगर मुझे एक से ज्यादा बार करनी पड़ रही है ना, तो उसके लिए मैं कोड लिख दूंगा कि यार अपने आप होती रहे, राइट? तो जो थोड़े से जो क्रिएटिव बोल रहे, थोड़े लेजी बोल लो, वो लोग डायरेक्टली बनी बने पीपीटी ढूंढेंगे। तो क्या लिख देंगे साथ में, पीपीटी। अब वो ढूंढ रहे हैं, अब ये क्या होगा कि ये एक वेबसाइट बता रहा है कि अच्छा ये इस वेबसाइट पे लेके जाएगा जहाँ पे शायद आपको जो है पीपीटी मिल जाए, या फिर ये एक पीपीटी सीडी दे रहा है। हम लोग यहाँ पे फाइल टाइप देख रहे हैं ना कि ये एक थोड़ा जूम इन कर देता है, ये पीपीटी है। कुछ नॉर्मल वेबसाइट्स दिख रही है, ये पीपीटी नहीं है, एक वेबसाइट पे लेके जा रहा है। तो
सारी चीजें हम लोग को वो नहीं मिली जो हम लोग को चाहिए थी. तो अगर हम लोग उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे अपने सर्च को, इस चीज को हम लोग जो भी मैं करने वाला हूँ, हम लोग बोलते हैं गूगल डॉकिंग. हम लोग कुछ स्पेशल कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम लोग जो हम लोग को चाहिए ना स्पेसिफिक चीजें वो ढूंढ सकें. तो पहला चीज हम लोग करने वाले हैं वो है फाइल टाइप. ये कीवर्ड है जो कि गूगल रिकग्नाइज करता है. और इसके अगर मैं लिख दूं अगर पीपीटी या फिर मैं पीडीएफ लिख दूं बल्कि, तो आप देखोगे हर एक रिजल्ट के आगे पीडीएफ लिखा हुआ, यानी कि सीधे डाउनलोड है. अगर मैं क्लिक करूंगा सीधा पीडीएफ ही खुलने वाली है. पीडीएफ 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 शायद ऐड है. पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ. तो एक मैंने क्राइटेरिया लगा दिया है एक स्पेशल कीवर्ड यूज करके. तो ये एक चीज हुई, राइट. अब ये खाली मैं स्कूल के लिए हैक नहीं बता रहा हूँ कि स्कूल में कैसे प्रोजेक्ट करते हैं. ये हैकर्स इस चीज को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं. कैसे करते हैं थोड़ा सा मैं एक आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ इसके बारे में. तो ये है हमारा यूजिंग गूगल डॉक्स. तो कुछ डॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या होते हैं. लिंक होता है, लिस्ट वेब पेजेस दैट हैव लिंक्स टू द स्पेसिफाइड वेब पेज. रिलेटेड होता है कि लिस्ट वेब पेजेस दैट आर सिमिलर टू द स्पेसिफाइड वेब पेज. अगर आप चाह रहे हो कि मैंने एक वेब पेज ढूंढ लिया है इसी से मिलते जुलते मिले, तो उसके लिंक्स हो, रिलेटेड हो, इन्फॉर्मेशन हो, साइट, ऑल इन टाइटल, इन टाइटल, ऑल इन यू आर एल. ऑल इन टाइटल का मतलब रिस्ट्रिक्ट द रिजल्ट टू दोज वेबसाइट्स विद ऑल द सर्च कीवर्ड्स इन द टाइटल. इन टाइटल होता है कि उसमें सारे नहीं बट कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं. ऑल इन यू आर एल जो आपका यू आर एल होता है उसमें क्या होना चाहिए. टाइटल और यू आर एल में फर्क है ना. अभी जैसे हम लोग ब्राउजर में देख रहे थे तो कुछ वेबसाइट का नाम अलग था और जो टाइटल ऊपर लिखा था वो अलग था. तो हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं. और कुछ एग्जांपल के लिए कुछ डॉक्स देखते हैं. तो हम लोग स्पेसिफाई करें कि साइट कौन सी चाहिए, ये वाली वेबसाइट चाहिए, राइट. तो इसको हम लोग ओपन करते हैं. कहाँ है हमारा ब्राउजर, ये रहा. तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे मान लो खाली मुझे पीडीएफ चाहिए, और मुझे पीडीएफ कहाँ से चाहिए, लेट्स से मुझे इसी काउंसिल की वेबसाइट से मुझे पीडीएफ चाहिए. तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं करता हूँ मान लो हैकिंग लिख दिया मैंने. एक एग्जांपल ले ली कि मैंने टॉपिक जो मैं ढूंढ रहा हूँ हैकिंग का, और इसके साथ मैं लिख देता हूँ इन यूआरएल. ठीक है, मैं यूआरएल स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि यूआरएल में क्या चीज़ होनी चाहिए. मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया ईसी काउंसिल. साथ में मैं अगर बात करूँ कि फाइल टाइप क्या होना चाहिए, तो मैं फाइल टाइप लिख देता हूँ फाइल टाइप पीडीएफ. तो मैं दो चीज़ स्पेसिफाई करी कि एक यूआरएल में क्या होना चाहिए, उसकी फाइल टाइप क्या होनी चाहिए. तो जब मैं सर्च करूंगा आप देख सकते हो यहाँ पे यूआरएल के अंदर ईसी काउंसिल है, और जो डाउनलोडेबल है वो पीडीएफ आ रही है. ईसी काउंसिल पीडीएफ, ईसी काउंसिल पीडीएफ, सारे सारे रिजल्ट्स हमारे ईसी काउंसिल से हैं और उसमें पीडीएफ हम लोग मिल रहे हैं. तो हम लोग नैरो डाउन कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम लोग को क्या चीज दिखाओ. हम लोग को यूजलेस वेबसाइट्स मत दिखाओ जो हम लोग को काम की नहीं है, हम लोग को स्पेसिफिक बताओ. इससे आपको लगता है कि क्या फायदा होगा. फायदा ये होता है कि कई बार जैसे हमारा गूगल एक सर्च इंजन है, ऐसे और भी सर्च इंजन है, ये सारे वेब क्रॉलिंग करते हैं. अगर आपकी कोई वेबसाइट है, ये गूगल सर्च इंजन उसको जाके क्रॉल करने वाला है, उसके जितने भी लिंक्स होंगे, वेब पेजेस होंगे, वो केच करके रखता है अपने पास, जिससे कि जल्दी से सर्च करके उसको दिखा सके किसी और को. तो कई बार क्या होता है कि कोई भी वेब पेज का कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, कोई डेटा जो ऐसा सबको नहीं दिखना चाहिए, उनका जो बैक एंड वाली चीज़ें हैं जहाँ पे वो फाइल स्टोर करते हैं, वो सब चीज़ें गूगल केच कर लेता है क्योंकि उन्होंने उसको जो है प्रॉपरली हाइड नहीं किया. तो हम लोग को वो सब चीजें गूगल पे मिल जाती हैं ऐसे डॉकिंग करके, राइट. तो जैसे अगर हम लोग ये इन यूआरएल एडमिन लिखेंगे, इन टाइटल पासवर्ड लिखेंगे, तो हम लोग को रिजल्ट उस हिसाब से मिलेंगे. हम लोग ये करके देख लेते हैं एक बार, इन यूआरएल एडमिन कर लेते हैं. तो हम लोग करेंगे इन यूआरएल एडमिन करके देखते क्या आता है. तो आप देख रहे हो कि जो भी यहाँ पे यूआरएल आ रहा है उसमें एडमिन डॉट गूगल डॉट कॉम, यहाँ पे इसमें भी एडमिन है ऊपर, एडमिन डॉट esdk करके जो है एडमिन, हर एक चीज में हमारी यूआरएल में एडमिन आ रहा है, राइट. इसका फायदा क्या हुआ. फायदा वेल अगर हम लोग इंडेक्स से भी करें, इन टाइटल करके देखते हैं, एक थोड़ा फन वाला करते हैं इन टाइटल, और साथ में लोग कर देंगे इंडेक्स ऑफ आधार. ये काफी लोगों ने आपने हो सकता है करके देखा हो, ट्राई करके देखा हो, या कई जगह लोग आपने सुना हो कि यार आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, हमारा आधार सिक्योर नहीं है, क्या है. क्योंकि सिर्फ हमारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स नहीं है जो आधार होल्ड करती है. इनफैक्ट इसके ऊपर कोई भी रिसेंटली लेजिस्लेशन और एक कोर्ट केस भी हुआ था कि यार जो भी आपके कोई चाहे होटल में जाते हो वहां पर आधार दिखाना पड़ता है, कोई सर्विस यूज करते हो वहां पर आधार दिखाना पड़ता है. तो जो आपके गवर्नमेंट है वो तो सिक्योर कर लेगी, बट जो बाकी सर्विसेज जो बाकी आप जगह पर अपने आधार दे रहे हो, क्या वो आपके डेटा को सिक्योर रखते हैं.
क्योंकि अगर किसी ऐसी वेबसाइट में मिल गया जहाँ पे कि डेटा कोई एक्सेस कर पा रहा है तो आपका इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी ना वहाँ से, तो ये एक सिक्योरिटी रिस्क है, इसलिए इस पर थोड़ा सा भी काम चल रहा है कि इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो एग्जाम्पल के लिए ये कोई वेबसाइट है तमिलनाडु गवर्नमेंट की, इनको शायद कोई बैकएंड है जिसमें कि कुछ फाइल्स हम लोग को दिख रही हैं ऐसी, हालांकि इसमें से कुछ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है मेरे को तो मैं नहीं देखूंगा। जैसे अगर हम लोग, ये कोई अपलोड्स का है एड बाजार करके, राइट, और हम लोग इसमें से किसी एक चीज को खोल के देखते हैं, अच्छा ये तो कुछ और है, बट वैसे भी आप देख रहे हो कि यूजर इंटरफेस वाला नहीं है, ये जो वेब पेज हम लोग को दिख रहा है ये एक बैक एंड टाइप की चीज है जो कि हम लोग को एक एज अ यूजर नहीं दिखनी चाहिए। अब इसमें ये कुछ आधार भी दिख रहे हैं हम लोग को, देखते हैं क्या है। तो ये किसी पर्सन का आधार है, ऑब्वियसली ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि हम लोग को नहीं मिलनी चाहिए, तो मैं इसको बैक कर देता हूँ। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लाइन्स दिख रहे हैं हम लोगों को, तो ये एक डेटा ब्रीच कह सकते हो जिसकी वजह से हो सकता है लोगों का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कहीं लीक हो सकती है। तो ये हमने गूगल डॉकिंग करी, इन टाइटल इंडेक्स ऑफ आधार लिख के हम लोग को एक जो है ऐसा वेबसाइट मिल गया जिसमें कि कुछ डेटा हम लोग को मिल रहा है जो कि नहीं मिलना चाहिए था, तो हमने गूगल का इस्तेमाल किया इस चीज़ के लिए, राइट। सिर्फ यहीं तक नहीं है, इनफैक्ट हमारा गूगल का गूगल का खुद का एक हैकिंग डेटाबेस है जिसमें कि वो मेंटेन करता है इस टाइप के डॉक्स कि क्या क्या डॉक्स चल रहे हैं आजकल, होता है ना कि चल रहा है ये वाला डॉक आजकल चल रहा है, तो इसके ऑथर होगा कि इस पर्सन ने ये रिपोर्ट किया है, क्या कैटेगरी है, फाइल कंटेनिंग जूसी इन्फॉर्मेशन, इंटाइटल इंडेक्स ऑफ डॉट एस क्यू एल। मान लो अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट, और इसको हम लोग अपने गूगल पे पेस्ट करता है, तो न्यू टैब, और यहाँ पर हम लोग गूगल खोल लेंगे और जो उनका डॉक है उसको हम लोग ट्राई करके देख लेंगे अभी। ऑब्वियसली क्योंकि मैं ऐसे चीजें रन कर रहा हूँ तो गूगल को लग रहा है कि मैं बॉट हूँ, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे मिस कर जाता तो सॉरी, मैं शायद मैं एक रोबोट हो सकता हूँ। तो ये रहा हमारा डॉक का रिजल्ट, तो देखते हैं क्या हम लोग को मिल रहा है। इंडेक्स ऑफ एसक्यूएल इंपोर्टेड फाइल्स, कौन सी वेबसाइट है, क्या है, ये देखते हैं। कुछ एसक्यूएल डेटाबेस दिख रहा है आपको। एसक्यूएल क्या होता है, जहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है, टेबल फॉर्म जैसे हमारा एक्सेल होता है, वैसे डेटाबेस हम लोग जब ऑनलाइन या किसी नेटवर्क में स्टोर करते हैं, किसी सर्वर में स्टोर करते हैं, हम लोग एसक्यूएल का यूज करते हैं, चाहे वो आपका पीएचपी माई एडमिन हो, चाहे आपका पोस्टग्रेस हो। बेसिकली हम लोग को चाहिए कि हम लोग डेटा को एक्सेस कर सकें और मैनुअली ना करना पड़े, मशीन्स कर लें, तो उसके लिए हम लोग एक पूरी लैंग्वेज बना रखी है एसक्यूएल वाली, तो सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसी का हम लोग को कुछ डेटाबेस दिख रहा है जिसमें कि कई सारी ऐसी एंट्रीज है। हालांकि हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें शायद इंक्रिप्टेड है, कुछ एग्जाम नंबर रैंडम दिख रहा है और कुछ चीज़ें इंक्रिप्टेड, बट देन ये चीज़ भी किसी को एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए, या फिर इसमें अगर कुछ और चीज़ मिल जाए, नहीं यहाँ पर भी इंक्रिप्टेड है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। या फिर अगर कहीं और किसी और में देखते हैं, माय सिटी सोशल क्या है, यह इसमें पीएचपी मास्टर, मेल मास्टर, बट बेसिकली हम लोग ऐसी चीजें ब्राउज कर रहे हैं जहां पे कि एसक्यूएल वाला डेटाबेस हम लोग को कहीं मिल सकता है। अभी भी मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा, ये तो सीधा डाउनलोड हो रहा है, यानी कि ये तो पूरी पूरी फाइल है, एसक्यूएल फाइल है, आपको ये पूरा डेटाबेस है, मुझे पूरा डेटाबेस डाउनलोड कर सकता हूँ मैं जिस भी चीज़ का है, मुझे नहीं पता भी किस चीज़ का है, बट एक डेटाबेस मेरे को मिल रहा है, राइट। तो ये ऐसे डॉक्स होते हैं और गूगल अपना गूगल हैकिंग डेटाबेस मेंटेन कर रहा है इसी चीज़ के लिए, राइट। तो ये एक बहुत बेसिक से शुरू हो गया जिसमें आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो और कुछ ऐसी जूसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए उसका जुगाड़ कर रहे हो। फिर जब हम लोग किसी वेबसाइट किसी को टारगेट कर रहे हैं और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं, तो हम और क्या कर सकते हैं, और क्या टूल्स हमारे पास। तो एक हमारे पास है नेटक्राफ्ट। नेटक्राफ्ट में क्या होता है, हम लोग किसी वेबसाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, क्या डोमेन है उसका, क्या उसके सर्वर्स हैं, क्या वर्जन वगैरह रन हो रहा है, वो सब के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग सीधा सर्च कर सकते हैं उसके बारे में आके।
यहाँ पे खाली एक एग्जाम्पल लूंगा, हम लोग साइट रिपोर्ट चाह रहे हैं, तो साइट रिपोर्ट सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे, और लेट्स जस्ट से Microsoft.com, तो एक पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में मैं इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहा हूँ कि क्या है, और मैं अभी खाली पब्लिक इंफॉर्मेशन यूज कर रहा हूँ, मैंने खुद से अभी कोई टूल या कोई स्क्रिप्ट रन नहीं करी है। तो यहाँ पे हम लोग को रिपोर्ट दिख रहे हैं Microsoft.com की, इसका बैकग्राउंड क्या है, अच्छा क्लाउड कंप्यूटिंग इसके लिए है, सबसे पहले कब आई, August 1995 में आई, ओके इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है। रिस्क रेटिंग है 7/10, यानी कि इसमें फिलहाल कुछ चीजें हैं जो शायद फिक्स नहीं की गई है। इसके साइट के बारे में बता रखा है, इनका जो होस्टिंग कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट है, वेल एंड गुड। IPv4 एड्रेस मिल रहा है, ये चीज आपने शायद नहीं देखी होगी क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो उसका URL यूज करते हैं, ये इसका जो DNS वाला जो होता है ना, Microsoft.com होगा, ये सब लोग नेटक्राफ्ट यूज कर नेटक्राफ्ट.com होगा, उसका IP एड्रेस है, असली काम तो उसी का ही है ना जिससे आप उसको लोकेट करते हो। तो ये सब हम लोग को दिख रहा है, V6 एड्रेस उसमें नहीं है, रिवर्स DNS नहीं है, इसको नहीं पता चला, डोमेन दिख रहा है, इनके सर्वर दिख रहे हैं, IP डेलीगेशन क्या क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी 4 सर्वर रन हो रहे हैं, जियो लोकेशन दिख रही है कि कहाँ पे है, जो मैंने वेबसाइट खोली है, मतलब क्योंकि मैंने .in या कोई और नहीं किया, .com किया है, और मेरे शायद ये HTTP वाला वर्जन दिखा रहा है, HTTPS वाला वर्जन नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को स्पेसिफिक जो उसकी जियो लोकेशन है वो बता रहा है कि कहाँ पे एक्टिव है, सी क्या पॉलिसीज हैं, क्या इसमें ट्रैकर्स यूज हो रहे हैं साइट में, क्या टेक्नोलॉजी है, यानी कि एज्योर यूज हो रहे हैं यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है इनका क्लाउड कंप्यूटिंग होती है इसमें, वो है सर्वर साइड क्या चीज़ यूज हो रही है, कौन सा ASP.NET इज रनिंग, राइट SSL रन हो रहा है आपका, क्लाइंट साइड पे क्या चीज़ रन होती है उसके बारे में, जावास्क्रिप्ट के बारे में बता रखा है, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग जो हमारे हैकिंग करने वाले हैं उसके रिकॉन्सेंस फेज में हम लोग को इम्पोर्टेंट है, राइट तो ये पब्लिकली अवेलेबल वेबसाइट जिसमें मैंने ये काम किया। इसके अलावा और क्या है, अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हैकर्स क्या करते हैं, वो ढूंढते कैसे हैं कि क्या करना है कैसे करना है, इनफैक्ट आई थिंक मैं इसके लिए हमारा ये रशोडा, राइट ये शोडा नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, और थोड़ी देर के लिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ क्योंकि ताकि मेरा सर्च बॉक्स एक्सेसिबल रहे। तो ये मेरा शोडान है, अगर मैं इसमें कोई चीज सर्च करना चाहता हूँ, कोई आईपी एड्रेस सर्च करना चाहता हूँ या कोई पोर्ट नंबर सर्च करना चाहता हूँ, मान लो मैं लिखता हूँ पोर्ट 21, तो मैं स्पेसिफिक सर्च कर रहा हूँ कि कौन सी वेबसाइट कौन से सर्वर्स पे कौन सी डिवाइस पे पोर्ट नंबर 21 इज ओपन, तो मुझे खाली उसके रिजल्ट दिखाए जाएंगे। ओके फॉर सम रीजन दिस वन इज नॉट वर्किंग, लेट्स ट्राई हियर, पोर्ट 22 कर लेते हैं, रिसेंट्स बता दो, राइट तो हम लोग को सारे सर्वर्स वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पे जो कि इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे चलते हैं, कि इसमें पोर्ट नंबर ही वाला ओपन होगा, इसमें सिक्योरिटी है या नहीं वो बात अलग हो जाती है। अभी हम लोग इसको जो है अटैक करने की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बहुत पर बता रहा हूँ कि ये इंटरनेट थिंग डिवाइसेज होती हैं, जो भी डिवाइसेज इंटरनेट में कनेक्टेड है उनके क्या सर्विस रन हो रहे हैं, उनके क्या पोर्ट नंबर है, क्या IP एड्रेस रेंजेस है, उन सबको आप फिल्टर करके सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन सी कंट्री में कितने रन उसके रिजल्ट आए हैं। तो जो हैकर्स होते हैं उनको जरूरी नहीं है कि खाली बिग शॉट्स यानी कि किसी कंपनी को ही टारगेट करना है, वो लोग सर्च भी करते रहते हैं कि ओपन सोच, जैसे कि हम लोग ये शोडान को यूज कर रहे हैं, शोडान पे कहाँ पे उनको ऐसी वल्नरेबिलिटी वाला सर्वर मिल जाए जिसको एक्सप्लॉइट कर सके। कई बार हम लोग को जो है CCTV मिल जाते हैं, इनफैक्ट चूंकि हम लोग डॉकिंग की बात कर रहे थे तो हम लोग इसकी डॉकिंग के बारे में भी देख लेते हैं। तो हमारा गिटहब पे उन्होंने एक मेंटेन कर रखा है जिसमें कि शोडान के डॉक्स हैं कई सारे, कि पर्टिकुलर सिटी सर्च करनी है, कंट्री सर्च करनी है, या कोई आपको पोर्ट सर्च करना है, सर्वेलेंस कैमरा भी मिल जाते हैं हम लोगों को, जैसे कि अगर मैं ये सर्च करूं, कहीं मैंने डॉक ले लिया है और मैं इसको यहाँ पे ले जाके ये पेस्ट कर देता हूँ, तो हम लोगों को जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं ना ये सर्वेलेंस कैमराज के हैं, जिसमें कि कोई जगह पे किसी भी जगह पे कोई सर्वेलेंस कैमरा है, कोई CCTV रन हो रहा है जो कि नेटवर्क पे होस्ट किया गया। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि अगर मुझे कोई CCTV देखना है तो मुझे उसको इंटरनेट फेसिंग रखना पड़ेगा, यानी कि वो लोकल एरिया नेटवर्क में सीमित नहीं रह सकता। अगर मैं खाली अपने लोकल एरिया नेटवर्क पे देख रहा हूँ तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो उसको बाहर से कोई एक्सेस कर नहीं सकता, सिर्फ मेरे लोकल एरिया, यानी कि अगर मैं अपने वाईफाई पे कनेक्टेड हूँ
तो मेरे वाईफाई पे जितने लोग कनेक्टेड है खाली वही वो सीसीटीवी और जो है फुटेज देख सकते हैं, ऑब्वियसली यूजर ने पासवर्ड के साथ, बाहर का कोई नहीं देख सकता क्योंकि बाहर का अवेलेबल नहीं है। बट अगर मुझे वो चीज़ चाहिए कि वो इंटरनेट पर अवेलेबल हो, यानी कि मैं घर बैठ के ऑफिस की फुटेज देख सकूँ या फिर ऑफिस बैठ के घर की फुटेज देख सकूँ, तो उसके लिए मुझे अपने सीसीटीवी को नेटवर्क पर रखना पड़ेगा, यानी कि वो इंटरनेट पर फेसिंग होगा। तो उसको एक्सेस कैसे करना है वो खैर मुझे तो अपना एड्रेस पता होगा कि कैसे करना है, बट किसी हैकर को वो ऐसे मिल सकता है कि अच्छा ये एक जो आपका कैमरा है ये फेसिंग है, मान लो अगर हम लोग ये किसी का खोल के देखते हैं क्या चीज़ है ये, जरूरी नहीं कि हम लोग एक्सेस मिले, कई बार जो है चीज़ें इसमें रन हो जाती हैं, कई बार नहीं होती क्योंकि कई बार सिक्योरिटी उन्होंने रखी होती है, जैसे ये साइट हम लोग नहीं रीच कर पा रहे हैं, हो सकता है किसी किसी जगह पर किसी फायरवॉल ने उसको ब्लॉक कर दिया हमारे रिक्वेस्ट को, कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, एडवांस करके हम लोग फिर भी करेंगे प्रोसीड बिकॉज खतरों के खिलाड़ी। तो हम लोग उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली बट जो हम लोग को चाहिए था वो नहीं मिला, यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस वीपीएन ऑन दिस सर्वर, ओके डजंट मैटर। अगेन सेम थिंग, तो हम लोग फिलहाल हम लोग को जो दिख रहे हैं डिवाइसेस वगैरह वो जैसा हमने सोचा था वैसे नहीं मिल रहा, बट कोई बात नहीं, हम लोग अपने सर्च को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखेंगे। अगर हमारा ये शोडाउन खुल गया है, यस ये वाला खुल गया था, तो इसमें हम लोग एक पर्टिकुलर सर्च करेंगे। यहाँ पर हमने सर्च किया है एक पर्टिकुलर, अगर आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, मैंने ऊपर सर्च किया है ssl.com 2220 2230, जो हमारे जो कोड्स होते हैं बेसिकली, जो हम लोग को अगर किसी चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं, डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, तो उसके कुछ कोड आते हैं 200, यानी कि ओके, तो 200 वाले लाइन्स वाले ठीक होते हैं, लॉग इन सक्सेसफुल, और पोर्ट 21 हमारा FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो हमने यहाँ पर सर्च करी है उसमें हम लोगों को दिख रहे हैं वो सर्वर्स जिसपे कि FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक्टिव है, और जैसे कि बता रहे लॉग इन सक्सेसफुल, यानी कि इसमें वल्नरेबिलिटी है कि उसको इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं। अब अगर मैं ये सेम चीज कॉपी कर लूँ, राइट, और ये जो मैंने आईपी एड्रेस कॉपी किया और ये मेरा अपना खोल लिया है काली लिनक्स को, जिनको नहीं पता है ये मेरा एक लिनक्स सिस्टम है काली का, जिसमें कि सारे टूल ऑलरेडी लोडेड है जितने मेरे को हैकिंग के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं एक अपना टर्मिनल स्क्रीन खोल लेता हूँ और इसको थोड़ा सा जो टेक्स्ट उसको बड़ा कर लेते हैं ताकि इजीली विजिबल रहे सबको। और हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले तो क्योंकि देखने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या है, ये ls कमांड होती है हमारे लिस्ट करने के लिए, तो मेरी जितनी भी फाइल्स हैं वो लिस्ट हो रही हैं मेरे होम फोल्डर में जो भी हैं, राइट। तो ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं खाली टेस्ट कर रहा था कि मैं सब कुछ चल रहा है कि नहीं। हम लोग करेंगे FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहाँ पे मैं उस IP एड्रेस को डालूंगा जो कि वहाँ से कॉपी पेस्ट कॉपी करके लाया हूँ। इनफैक्ट ये उसने आगे पीछे का थोड़ा कॉपी कर लिया है, तो थोड़ा सा हम लोग को डेटा को ठीक करना पड़ेगा, राइट। तो ये हमने किया है और कनेक्टेड टू दिस IP एड्रेस फाइल जिला नेम, तो खाली लॉग इन करने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे अनोनिमस के नाम से, अनोनिमस, फिर हमसे बोलेगा पासवर्ड बताओ, तो हम लोग पासवर्ड बता देंगे अनोनिमस, लॉग इन सक्सेसफुल। मैंने खाली यहाँ पर अनोनिमस वाला पासवर्ड यूज किया है, इस IP एड्रेस तो मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन सी डिवाइस है क्या है, बट यहाँ पे FTP चालू है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे ls कमांड रन करता हूँ तो उसकी जितनी भी फाइल्स है मुझे वो दिख रही है, और आप देख सकते हो कि ये वाली फाइल्स नहीं जो मेरी है, ये उस सर्वर की फाइल्स है, updates.txt वगैरह करके ऑपरेशन सक्सेसफुल, मुझे FTP पे इनकी फाइल्स दिख रही हैं। तो एक ये भी एक फ्लॉ हो गया जो कि हमने शोडान से देखा कि अच्छा शोडान पे हम लोगों को पता चल गया कि कौन से सर्वर्स पे FTP रन हो रहा है जहाँ पे लॉग इन सक्सेसफुल हो सकता है, वहाँ पे मैंने डॉर्क बेसिकली यूज़ किया है, राइट। और वो सेम FTP मैंने यहाँ पे अपने टर्मिनल, इसको हम लोग टर्मिनल बोलते हैं, जो हमारा एक काली लिनक्स का टर्मिनल है, जो हम लोग हैकिंग में देखते हैं ना, जो जितना भी आपने मूवीज में देखा है जो ब्लैक स्क्रीन में सब चलता है, बेसिकली वो यही चीज़ होती है, इसी हम लोग सारी स्क्रिप्ट वगैरह रन करते हैं, कमांड रन करते हैं। तो मैंने कमांड रन करी FTP वाली उस IP एड्रेस पे और हमारा काम बन गया, हमने लॉगिन कर लिया, राइट। हम लोग इसको एग्जिट कर देंगे, गुड बाय, और क्लियर कर देंगे क्योंकि हमने ये सक्सेसफुली कर दिया है, राइट। तो अब हम लोग वापस आते हैं हमारे हैकिंग पे। इनफैक्ट हम लोग थोड़ी और इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा वापस चलते हैं अपने डेमो वाले फेज पे, और जहाँ पर हमने खोल रखा था। कई बार हम लोगों को खाली किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी लोगों की जरूरत इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, PQ। तो जैसे हम लोगों ने किसी वेबसाइट या किसी डोमेन के लिए सर्च किया था पहले, तो ये PQ लोगों के लिए, यहाँ पर बंदे का नाम लिखो, एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिखते हैं डोनाल्ड ट्रम्प,
देखते हैं कि वो इंसान आजकल कहाँ पे है, जो कि जिसने दुनिया का थोड़ा परेशान किया था सबको। तो ये हम लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स क्या हैं, उसका क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से उसके, अगर उसके लिए कोई अरेस्ट वारंट वगैरह है वो सब पता चल जाता है, इन्फॉर्मेशन ईमेल एड्रेस वगैरह पता चल जाते हैं, फेसबुक प्रोफाइल्स, इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स, जितना भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, वो हम लोग को यहाँ से मिल रहा है। और नेसेसरी नहीं कि यहाँ पे हम लोग को सबके बारे में मिल जाए, बट एक स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से आप, जिससे कि आप लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। इसी की जैसे एक टूल है हमारे पास हमारे काली लिनक्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं शर्लॉक, जिसका नाम भी काफी एक एप्ट नाम रखा गया शर्लॉक। तो शर्लॉक है और शर्लॉक नॉट फाउंड कैन बी इंस्टॉल्ड। ओके, हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे, पासवर्ड डालेंगे, यस दिस विल टेक अ मिनट ऑल्सो। ओके, नेवर माइंड, तो ये वाला फिलहाल कुछ गड़बड़ कर रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग हार्वेस्टर पे आ जाते हैं। इनफैक्ट हार्वेस्टर क्या है, उसी तरीके से हम लोग शर्लॉक की बात कर रहे थे, शर्लॉक भी ऐसे जो है प्रोफाइल्स निकाल के लेके आता है, हार्वेस्टर से थोड़ा एक स्टेप आगे है। हार्वेस्टर क्या करता है, आपके किसी आपने सोर्स बता दी कि मेरे को गूगल से करना है या मुझे बिंग से करना है या मुझे URL स्कैन से करना है, तो वो उसका यूज करेगा। उसके जितने अगर कोई ईमेल है, कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, कुछ आपके डोमेन्स वगैरह हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आएगा। तो पहले इसका एक हेल्प सेक्शन खोल के देखते हैं कि हार्वेस्टर करता क्या है। -H लगाया था मैंने इसके साथ, कमांड के साथ, हार्वेस्टर -H, इसे मुझे बता रहे कि क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। -D यूज करेंगे डोमेन नेम स्पेसिफाई करने के लिए, -B यूज करेंगे हमारा जो सोर्स है उसको स्पेसिफाई करने के लिए, एंड सो ऑन। सोर्सेज क्या क्या हमारे पास, ये बता रहा है, राइट? तो खाली एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग करेंगे और -D हम लोग ये रख लेते हैं ऐसा। इनफैक्ट URL स्कैन भी ना करके हम लोग कर देते हैं बिग। तो मैंने एक example.com इसलिए ताकि हम लोग किसी पर्टिकुलर वेबसाइट की कोई ईमेल एड्रेस ना निकालें, और बिंग पे हम लोग करेंगे। तो ये example.com जो भी हमारा डोमेन स्पेसिफाई किया है, सर्चिंग 0 results, ओके, सर्चिंग बिंग, नो IP साउंड, पर उसको 3 emails मिल गए, email@example.com, mail@example.com, someone@email@example.com, और एक होस्ट मिल गया example.com का, एक IP एड्रेस है जिसमें कि ये 93.184.216.34। तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाती है। ये अगेन एक ऑटोमेटिक टूल है जिसमें कि आपको खाली कुछ स्पेसिफाई करना है कि कौन सा डोमेन आप अटैक कर रहे हो, कौन सा सोर्स आप यूज कर रहे हो, जिसके साथ आप जो है उसके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। अब मैं अगर किसी पर्टिकुलर किसी कंपनी का टारगेट कर रहा होता तो मुझे शायद उनके कुछ एम्प्लॉयज की डिटेल्स मिल जाती, या फिर उनका जो एडमिन है जो चलाता है, ईमेल एड्रेस जिसका होगा वो सब मिल जाता है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी निकल के आ सकती है जो कि आपको नॉर्मली नहीं मिलेगी, हम गूगल पर सर्च करने जाएंगे तो शायद ना मिले, राइट? तो ये सारी चीजें हम लोगों को आवश्यक से मिल जाती हैं। सिमिलरली एक कमांड होती है हुइस्की। हुइस क्या करता है, जो कि हमने नेटक्राफ्ट पे देखा था उसी टाइप का काम करेगा। तो अगर हम लोग करें हुइस और साथ में लिखें www. जो पहले किया था, तो हम लोगों को हुइस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक्सपायरेशन डेट के ये ना करके फिर हम लोग करते हैं, लेट्स से गूगल से काम करके देखता हूं। यस, ये रहा डोमेन नेम पता चल रहा है, उसका डोमेन का आईडी क्या है, रजिस्ट्रार कौन है, कहाँ से रजिस्ट्रेशन हुई है उसकी, कब उसको अपडेट किया गया था, डेट क्रिएशन थी 1997 में, राइट? रजिस्ट्री कब एक्सपायर होती है, इसमें उनके कुछ सर्वर्स के बारे में पता चल रहा है, क्या उनके सर्वर्स हैं, और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है हम लोग को, अगेन रजिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है। इनफैक्ट उनके जो टेक के इनके जो कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी पता चल जाता है, रजिस्ट्रेंट कौन है, इनका एक फ़ोन नंबर दे रखा है, यूरोप का कॉन्टैक्ट दे रखा है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल रही है इस हुए से। अब ये तो हुई थोड़ी सी हमारी जो ऑटोमेटिक टूल्स वगैरह थे उनकी चीज़ों की बात। अब हम थोड़ा सा अपने खुद से जो हम लोग टूल्स यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं जैसे कि पिन, सबसे बेसिक होता है, हम लोग जब चेक करना होता है कि कोई चीज़ चल रही है या नहीं चल रही है उसके लिए यूज़ करते हैं पिन। -H लगा के हम लोग हेल्प सेक्शन देखते हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं।
और पिंग डेस्टिनेशन, खाली इतना इसका जो है सिंटैक्स है। अगर तो मैं लिखता हूँ पिंग और लिखता हूँ जैसे खाली चेक करने के लिए कि पिंग हो रहा है कि नहीं, अब यहाँ पे दिख रहा है कि इसको मैं रोक देता हूँ यहीं पे कंट्रोल तो उसने हमारे 7 पैकेट भेजे, 7 रिसीव भी हो गए, यानी कि नेटवर्क चल रहा है। हम लोग कोई रिप्लाई बेसिकली पिंग में होता है कि हम हेलो भेजते हैं सामने वाले सर्वर को और वो रिप्लाई करता है कि आई एम वर्किंग वगैरह करके कि मैं मेरा स्टेटस ठीक है ओके। तो ये वही है कि हमने भेजे कुछ 7 पैकेट्स भेजे, 7 हेलो भेजे और 7 रिप्लाई, यानी कि सर्वर चल रहा है। तो बहुत बेसिक कमांड होती है पिंग चेक करने के लिए। इनफैक्ट ये हमारा ICMP जो एक प्रोटोकॉल होता है ना, जिसमें कि हम लोग इंटरनेट आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं डिवाइसेस, जो हम लोग भी नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही कर रहे हैं बैकग्राउंड में। मान लो आपने किसी वेबसाइट को रीच करने की कोशिश करी और वेबसाइट सर्वर डाउन है, कई बार आता है ना 404 नॉट फाउंड, सर्वर में भी डाउन है जो भी, तो वो उसको कैसे पता कि पेज डिस्प्ले करना है, उसको ये एरर कोड कैसे पता? वो इसीलिए क्योंकि बीच में कहीं पर कुछ ऐसा प्रोटोकॉल सेट है जो कि बता सके, ताकि आप जो है आपको अंधेरे में ना रहे, ऐसा ना हो कि आपको सर्वर, आपको जो ब्राउजर घूमता रहे कि यार लोड कर रहा है लोड कर रहा है लोड कर रहा है बट कुछ मिले नहीं, तो सीधा बता देते सर्वर डाउन है। तो ऐसी चीजें हमारा उस पिंग उसका एक एग्जांपल हो गया हमारा ICMP का कि अच्छा इसमें हम लोग बोलते हैं हेलो, उसका रिप्लाई आता है ओके। पिंग से थोड़ा आगे बढ़ के हमारा है नेटवर्क मैपर, एन मैप, नेटवर्क मैपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग एन मैप को। तो हम लोग किसी नेटवर्क पे हैं, उस पर क्या क्या डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, क्या क्या उस पर सर्विस रन हो रही हैं, क्या क्या उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है, वो सब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली एन मैप क्या कर रहा है, वो एक सीरीज ऑफ पिंग्स ही भेज रहा है, कुछ जो इसका थोड़ा सिंटैक्स अलग हो जाता है। तो पहले देखेंगे एन मैप और -H लगा के उसका हेल्प सेक्शन क्या है। इनफैक्ट यही से जो एग्जाम्पल्स हैं ऐसे कुछ कर लेते हैं -V, जिसमें कि आपको वर्जन पता चल जाएंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, कॉपी और पेस्ट। तो हमने क्या किया, वर्जन स्पेसिफाई किए हैं और scanme.nmap.org जो इनके एग्जाम्पल वेबसाइट जो दे रखी उन्होंने, उसी हम लोग एनमैप से स्कैन कर रहे हैं। स्कैन करते करते उसको क्या क्या पता चल रहा है कि कौन कौन सी जगह पे क्या क्या पोर्ट्स ओपन है। डिस्कवर पोर्ट ओपन 80 ऑन इस आईपी एड्रेस पे, पोर्ट लेयर 80 ओपन है, पोर्ट 22 ओपन है सेम आईपी एड्रेस पे। स्कैन करता जा रहा है बेसिकली, स्कैनिंग फोर सर्विसेज ऑन scanme.org। बेसिकली इसने पता चला कि एनमैप 1 आईपी एड्रेस जो होस्ट है वो आप है और उसकी सर्विस हमको बता रही कि क्या क्या सर्विस पे रन हो रही है। ये आपका फेविकॉन एनमैप प्रोजेक्ट रन हो रहा है, ईएल रन हो रहा है, स्कैन मी वाला सर्वर हेडर है, पोर्ट 80 के ऊपर इस सारी चीजें हो रही है, TCP भी क्या रन हो रहा है वो दिख रहा है। और थोड़ा सा ये जो है रीडेबल इतना अच्छा नहीं लग रहा हम लोग को, तो हम लोग उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अगर हम लोग को खाली पता करना होता कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रन हो रहा है तो वो कैसे करते हैं, तो दोबारा से हम लोग एनमैप का जो -H वाला था ये रन करके देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें कहाँ पे है। तो ये यहाँ पे होगा OS डायरेक्शन -O लगाने से, राइट। तो अगर हम लोग को करना है तो हम लोग को sudo की जरूरत करना पड़ता है, sudo और हम करेंगे nmap -O लगाएंगे और हम लोग को देखना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रन हो रहा है। और हम लोग इसमें कोई भी वेबसाइट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कई बार स्कैन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा हम लोग पेशेंस रखेंगे इसमें। और ये क्या करेगा, हमने जो टारगेट बताया है उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है। पोस्ट इज अप ओके, एड्रेस हम लोग को दिख रहा है, डिवाइस रनिंग जस्ट गेसिंग, तो OS का ये दिख रहा है हम लोग को, फ्री BSD, फ्री ABSD, अग्रेसिव OS। तो बेसिकली इसने ट्राई किया, इसको कुछ चीज़ें पता चली कि उसका फ्री BSD करके है, उसका 8.6, ये आपका 86% उसको लग रहा है कि ये 8.x करके उसका वर्जन है जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर रन हो रहा है उनके सर्वर पर, राइट। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये कोई लिनक्स का सर्वर होगा, ये विंडोज ऐसा नहीं है, और बेसिकली लेकिन इसके बारे में पता चल गया कि अच्छा इस वेबसाइट पर ये सर्वर रन हो रहा है। अब अगर मैं खाली nmap कर रहा होता अपने खुद के सर्वर पे, अपने खुद के नेटवर्क पे, मान लो हम लोग करते हैं -P लगा के, क्योंकि हम लोग को करना है पिंग स्कैन, आई थिंक ये होगा, और हम लोग करेंगे अपना खुद का जो स्पेसिफाई करेंगे 192.168.1.1/24। तो ये मेरा खुद का एड्रेस है जिस लोकल नेटवर्क में मैं हूँ,
उसका पूरे मैंने रेंज स्पेसिफाई कर दिया कि आप कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड है उसमें सबके वर्जन तो करके बात बात करेगा ये। बेसिकली इससे हम लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि हमारे नेटवर्क पे क्या क्या चीजें कनेक्टेड है और उन पे क्या क्या सर्विसेज रन हो रही हैं। फिर आप उसको एक्सप्लॉइट करना चाहो तो वो आपके ऊपर होता है। ये हमारे पहले स्टेप्स हो गए जिसमें हम लोग ये सब काम कर रहे हैं फुटप्रिंटिंग बेसिकली। तो हम लोगों को पता चला कि हमारे नेटवर्क में यहाँ पे एक तो हमारा ये आ गया, ये हमारा जो वाईफाई चल रहा है राइट। फिर हमारा एक डिवाइस है 101 पे जिसपे की एयरट्यून चल रही है RTSPD इसके प्रोटोकॉल के साथ राइट। और ये 102 पे चल रहा है, इसमें इसको नहीं पता चला। और 105 इसको नहीं पता चला कि कौन सी सर्विस रन हो रही है। बेसिकली इसको चार होस्ट मिल गया हमारे नेटवर्क पे और जो इसको पता चला कि अच्छा ये वाली वर्जन पे रन हो रहा है एयरट्यून्स का। ये मोस्ट प्रॉब्ली मेरा लैपटॉप ही है जिसमें ये सब चीज़ रन हो रही है और क्योंकि इसमें हमारा स्ट्रीमिंग चल रही है स्क्रीन शेयरिंग वगैरह इसलिए ऐसा हो रहा है। और ये मेरा वाईफाई जो हमारा डिफॉल्ट गेटवे होता है। तो मैंने अपना नेटवर्क स्कैन कर इसलिए बताया क्योंकि ऑब्वियसली मैं किसी और के नेटवर्क पे ऐसे डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं निकालना चाहूंगा कि उसमें क्या क्या डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उन पे क्या क्या वर्जन रन हो रहे हैं। मैंने खाली कुछ प्रोमिनेंट वेबसाइट्स की किया है जिसमें कि जो कि पब्लिक लिस्टेड है राइट। तो ये हमारा एनमैप स्कैन हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा एक्टिव साइड जिसमें कि हम लोग जब अटैक बनाते हैं हमारा इन्फॉर्मेशन गैदर करने का तरीका था ये अभी। तो अभी हम लोग जो अटैक बनाते हैं तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर जैसे आपने फिशिंग की बात सुनी होगी, फिशिंग क्या होती है तो सोशल इंजीनियरिंग के लिए हमारी टूल किट होती है पूरी। इनफैक्ट इसमें पूरा बना रखा है उन्होंने कि काफी इजीली आप उसको कर सको। यस आई एग्री। इस वाले को हम लोग बंद कर देते हैं, इस वाले को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इनफैक्ट फुल स्क्रीन देख लेंगे। तो हमारी सोशल इंजीनियरिंग की टूल किट है। आपने देखा ही होगा कि लोग फिशिंग वगैरह के पेजेस बनाते हैं। कई बार हो सकता है आपके पास पेटीएम वगैरह के या किसी कंपनी के वो आते हैं कि वेबसाइट का लिंक बना हुआ है कि आपको जो आपका KYC एक्सपायर हो गया है आपको जाके उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा। या कोई बैंक के आ जाते हैं कई बार, कोई मोबाइल नंबर के आ जाते हैं कि आपका OTP ये है इसको लॉग इन करो वगैरह वगैरह। तो वो कैसे बनाते हैं पेजेस, किसी के पास इतना टाइम नहीं कि खुद से कोड करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास पूरी टूल किट है जो कि बहुत आसान करती थी इस काम को। अब अगर मैं यहाँ से सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स सेट कर लेता हूँ 1 पे करके, वेबसाइट अटैक वेक्टर्स करेंगे हम लोग। इनफैक्ट इसमें और भी चीजें हैं, हम लोग इसमें स्पीयर फिशिंग का भी बना सकते हैं कि आप कई लोगों को एक साथ मेल भेजना चाहो और जिसमें कि आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि कौन से ईमेल से जाना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अपना ईमेल आईडी को आप प्रूफ करो कि कौन सी ईमेल से आपको जा रहा है। रिसिपिएंट को नहीं पता चलेगा कि आपने कौन सी ईमेल आईडी से भेजा है, आप जो स्पेसिफाई करो उससे पता चलेगा उसको। इसमें हम लोग QR कोड भी बना सकते हैं, यानी कि अगर आप कोई लिंक छुपाना चाहते हो कि वो लिंक किसी को दिखाई ना दे कि उस लिंक के अंदर एक्चुअली लिखा क्या हुआ है, आप उसका QR कोड जनरेट कर दो, वो भी इसमें हो जाता है। इनफैक्ट अगर हम लोग भी इसमें एक लिंक जनरेट करेंगे ना, क्लोन करेंगे साइट को, तो आप उसको QR कोड जनरेट करके कहीं पर चिपका सकते हो कि आपके वाली किसी वेबसाइट पर जाके लोग कनेक्ट करें और उनको जेन्युइन लगेगी। तो पहले हम लोग साइट क्लोन करते हैं, यहाँ पे वेबसाइट क्लोन अटैक वेक्टर्स पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग करेंगे क्रेडेंशियल हार्वेस्टर मेथड। हम लोग करेंगे यहाँ से साइट क्लोनर IP address for the postback harvester, यानी कि जिस वेबसाइट जिस सर्वर पे आप जो है रिसीव करना चाहते हो, जो भी आपका होता है ना कि जिस पे अगर कोई विजिट करेगा तब उसको सारा डेटा उसको जो स्टील हो। तो मैं यहाँ पे अपना खुद का एड्रेस दे देता हूँ फिलहाल 168.1.105, एंटर द URL टू क्लोन। तो एक एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं facebook.com राइट। ले लिया, इसको URL को क्लोन करेंगे हम लोग। तो ये हमारा रन हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे और हम लोग ब्राउजर खोल लेंगे। अब अगर मैं जनरली फेसबुक खोलता तो नॉर्मल वाला खुलेगा, ये हमारा नॉर्मल है राइट। बट अगर मैं जो मेरा 192.168.1.105 जो कि मैंने जिस सर्वर पे मैं होस्ट कर रहा हूँ राइट, मैं इस वाले एड्रेस पे होस्ट कर रहा हूँ, अब वो मैं चीज़ कैसे इसको क्राफ्ट करता हूँ कि मैं इसको एक जेन्युइन URL दे दूँ, मैं कोई ऐसी सर्वर रन करूँ जिसमें कि मैं इसको होस्ट कर रहा हूँ और वहाँ से लोग उसको एक्सेस करें, वो सब एक अलग अटैक हो जाएगा। मैं उसमें इतना नहीं आने वाला हूँ कि इसको करते कैसे हैं, बट जस्ट टू गिव इन डेमोन्स्ट्रेशन कि मैंने इस अब मैं इस एंटर मार रहा हूँ तो ये फेसबुक पे लॉग इन पेज खुल गया।
इसने खुद क्लोन किया है फॉर व्हाटएवर रीजन, इसको हिंदी में किया है, शायद रीजन देखा होगा मेरा जो स्क्रिप्ट रन हुई है उसमें। अब इसमें क्या है कि अगर मैं यहाँ पे जो भी ईमेल लिखता हूँ, लेट्स से example@eg.com और पासवर्ड लिख देते हैं, सिक्योर कोई पासवर्ड लिखते हैं, सिक्योर पासवर्ड, लॉग इन करेंगे, डू नॉट सेव, इसने क्या कर दिया, हमको जेन्युइन फेसबुक की वेबसाइट पे ले आया, ठीक है। काफी जो है ऑर्डिनरी से लगा, हमको लगा अच्छा तो ग्लिच हो गया कि हो सकता है कि कहीं पे कुछ रिफ्रेश वगैरह हुआ, हमारा लॉग इन नहीं हुआ, राइट। नॉर्मल लगता है, ज्यादा कुछ लगा नहीं कि कुछ अजीब सा हुआ, क्योंकि नॉर्मल इसने हमको जेन्युइन पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। बट जो हमारे टर्मिनल स्क्रीन पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसने कुछ कैप्चर कर दिया है, तो हम लोग उसको कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे क्योंकि उसने बोला है, और फाइल जो है XML फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर दी गई है इस जगह पे, root.setreports URIs पे। तो हम लोग क्या करते हैं, एंटर टू कंटिन्यू, हम लोग जाएंगे हमारे ब्राउजर खोल के देखेंगे कहाँ पे है, और हम लोग जाएंगे इसमें लोकेशंस में, इसमें हम लोग को जाना है रूट में, इसके हमको पासवर्ड डालना पड़ेगा क्योंकि ये रूट अकाउंट है हमारे जो एडमिन होता है। मेरे को बेसिकली अभी फिलहाल वो चीज़ मेरे को दिखाई नहीं दे रही कहाँ पे, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बट बेसिकली वो कैप्चर कर लिया, जो भी मैंने क्रेडेंशियल्स वहाँ पे डाले थे इसने, वो इसने कैप्चर कर लिया, फाइल में एक्सपोर्ट कर दिया है। तो अगर मैं कहीं सर्वर पे जो होस्ट कर रहा होता है इस वेबसाइट को, जो मेरी फिशिंग वेबसाइट है, वहाँ पर अगर कोई भी लॉग इन करता तो उसको लगता ग्लिच हुआ है, बट उसका जो भी क्रेडेंशियल्स है मेरे पास आ जाते हैं, मेरे पास फाइल फॉर्मेट में आ जाता है यहाँ पे, जो सेव हो जाते हैं, राइट। तो दैट वॉज हमारा सोशल इंजीनियरिंग टूलकिट। अब मैं चाहूँ तो मैं इसकी जो हूँ एक QR कोड भी जनरेट कर सकता हूँ, जिससे कि अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, एक वापस चले जाते हैं, एक पीछे QR कोड जनरेटर है, गेट पे गए, QR कोड जिसको आप करना चाहते हो सेम कर देते जो कि हम लोग कर रहे थे, जो बेसिकली जो मैंने एक बनाया था सर्वर होस्ट करने के लिए, उसी का मैं QR कोड जनरेट कर देता हूँ। QR कोड हैज जनरेटेड एंड ये है हमारा root.setreports QR कोड। ओके, आई गॉट इट। इनफैक्ट वो हिडन फाइल्स में, इसलिए मुझे नहीं दिखाई दे रहा था वहां पे, रूट में गए, पासवर्ड डालेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग को इनेबल करना है हिडन फाइल्स। तो इसमें जाएंगे डॉट सेट में, हम लोग जाएंगे रिपोर्ट्स में। तो पहली बात तो हमारा QR कोड जो हमने जनरेट किया है, अगर हम इसको स्कैन करेंगे तो उन्होंने अभी जो एक वेब पेज बनाया था उस पर रिडायरेक्ट करेगा, तो QR कोड जनरेट हो गया। और रही बात हमारी XML फाइल की, तो इसको हम लोग एक टेक्स्ट एडिटर से खोल लेते हैं, ओपन विद टेक्स्ट एडिटर से खोलेंगे सिंपल, एक अगेन पासवर्ड डालना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग को हमारा जो भी पार्ट जो हमने इन क्रेडेंशियल्स डाले थे वो दिखाई देंगे। तो ये रहा हमारा example.com जो मैंने लिखा था वहाँ पे, और पासवर्ड ये रहा मेरा सिक्योर पासवर्ड, राइट। तो काफी इजीली हमने उसके credentials को हार्वेस्ट कर लिया है। सो दैट वाज अ वेरी वेरी इजी टू डू थिंग। फिशिंग अटैक्स बनाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है आज के टाइम पे, काफी सब कुछ कोडेड है ऑलरेडी। इनफैक्ट इसी का कुछ एडवांस वर्जन भी है, जैसे कि हम लोग मॉडलिश का जो है एक टूल के जानते हैं, मॉडलिश का क्या करता है, अभी जो मेथड इसको मैं ऐसे रन कर रहा हूँ कि वो ग्लिच हो जाता है, आपने लॉग इन पर क्लिक किया वो ग्लिच हो जाएगा और आपको जेन्युइन वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। बट मॉडलिश का एक ऐसा टूल है जो कि काफी एक वेल क्राफ्टेड टूल है, उसमें क्या होता है कि अगर मैं लॉगिन कर भी लिया तो मेरा रीडायरेक्ट नहीं होगा, मैं उसी वेबसाइट के अंदर ही चलता रहूंगा, मतलब सब डोमेन्स में चलता रहूंगा उसी के, और एक सॉर्ट ऑफ एक होता है ना एक लेयर बन जाएगा, एक मिडल मैन वाला काम हो जाएगा, मैन द मिडल वाला, कि मैं इंटरेक्ट करूंगा उस जो एक मिलिशियस सर्वर है उसके साथ, और वो मिलिशियस सर्वर लॉगिन कर रहा है एक्चुअल वेबसाइट के साथ, तो डेटा टू एंड फ्रो ट्रांसफर किया जा रहा है, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं एक मिलिशियस वेबसाइट पे हूँ, मेरे को लगेगा जेन्युइन वेबसाइट है, पर बीच में जितना भी मेरा डेटा है उस मिडिलमैन के हाथ में जा रहा है, सारे क्रेडेंशियल्स, सारा लॉगिन, सारे कुकीज वगैरह सब उसी के पास जा रहा है। तो दैट इज मॉडलिश का जो एडवांस कह सकते हो फिशिंग का, फिशिंग नेक्स्ट लेवल पे उसकी,
ये तो बहुत बेसिक 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 फिशिंग है, जिसमें कि आपका कुछ खाली क्रेडेंशियल्स हार्वेस्ट किए जा रहे हैं और आपको जेन्युइन वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, बट उसमें तो पता भी नहीं चलता कि ऐसा कुछ हो रहा है, राइट? तो इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं और इस वाले को भी हम क्लोज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे हमारा बर्ब सूट, जो एक्चुअल हमारा जो होता है ना कि गोल्ड माइन। अब जैसे हम लोग किसी ब्राउजर को विजिट करते हैं, किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, लेट्स से हमने गूगल विजिट कर रखा है, ठीक है, इसमें हालांकि कोई एरर वगैरह आया तो सर्च में मिला नहीं जो भी चीज थी, बट एक्चुअली इसके बैकग्राउंड में है क्या चीज, हम उसको अगर इंस्पेक्ट करते, अगर आपने किसी ने करके देखा हो, तो हमारा बैकएंड का जो कोड है, वैसे शुरू में बात करी थी कोड्स की ना, जैसे आपकी लैंग्वेज होती है जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पर रन हो रही है, ये डिजाइन करता है कि हमारा वेब पेज कैसा दिख रहा है, उसमें जो एचटीएमएल फॉर्मेट है उसके अंदर जितनी भी इंटरएक्टिव चीजें होंगी वो जावास्क्रिप्ट पे होंगी, कोड एचटीएमएल में होगा हमारा, बीच में हमारा पीएचपी फाइल्स होंगी, पीएचपी का जो स्टाइलिंग होगी और लॉगिन इन्फॉर्मेशन जो आपके एसक्यूएल वगैरह का सारा चीजें हमारे कई सारे इसमें मोस्ट चीजें हमारे ब्राउजर पर रन हो रही है, सर्वर तक नहीं जाती है। यहाँ से जो हम लोग को रिक्वेस्ट भेजते हैं तब वो सर्वर के पास जाती है और सर्वर उसको हरी उस डेटा को रिट्रीव करके भेजता है। जनरली जैसे आपके गूगल का जो इमेजेस होंगी, एनिमेशन होंगी, कई बार वो लोकली स्टोर किए जाते हैं आपके सिस्टम पे या फिर आपकी कहीं आईएसपी के किसी सर्वर पे, क्योंकि हर बार अगर वो आपकी google.com के मेन सर्वर से लेके आएगा तो उसमें बहुत डेटा वेस्ट होगा, रिसोर्स वेस्ट होंगे और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, आपका लैग आ जाएगा उसमें। उस चीज को अवॉइड करने के लिए कई सारा कोड, काफी सारा कोड लोकली आपके ब्राउजर पर रन किया जाता है और इसी चीज को एक्सप्लॉइट करता है हैकर्स। उसमें क्या करते हैं, वो जितना भी हम लोग कोड दिख रहा है ना यहाँ पे, वो इसको इसमें ढूंढते हैं कि कहीं पर कोई वल्नरेबिलिटी मिल जाए जिसको एक्सप्लॉइट कर सकें, कहीं पे ऐसा है कि कोई डेटा सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है, कहीं पे कुछ ऐसा है कि आपने कोई चीज़ एंट्री करी है कहीं पर डेटा एंट्री और जो है उसको फिल्टर नहीं किया जा रहा है, जो भी आपने लिख दिया वो बस एज इट इज सेंड किया जा रहा है उसके सर्वर पे, और सर्वर उस पर कई बार जो है एक्शन ले लेता है बिना उसको देखे कि अच्छा ये तो मेलिशियस है। मान लो एसक्यूएल इंजेक्शन जो होता है ना, जिसमें कि आप अटैक करते हो किसी के डेटाबेस के ऊपर, तो वो ऐसे ही काम कर रहा होता है। SQL इंजेक्शन कैसे काम करता है इस पर लोग एक सेकंड थोड़ी देर बाद आएंगे, पर आपको मैं बर्ब सूट के बारे में बता देता हूँ। हमारा बर्ब सूट खोल दें हम लोग यहाँ पे, नेवर माइंड, मेरे पास दूसरे उस पर भी है, मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। This is like Burp Suit only, ये OBASP का है, this is called Zap, right? तो Zap क्या करता है और Burp Suit का, दोनों का काम यह है, वो एक इंटरसेप्टर की तरह काम करता है, बीच में एक जैसे प्रॉक्सी बोलते हो ना, कि जैसे भी मैंने मैन इन द मिडल डिस्क्राइब किया था, आई डिस्क्राइब द मैन इन द मिडल वेयर द फिशिंग अटैक वॉज बींग डन विद द मैन इन द मिडल अटैक, तो Zap वैसे ही कुछ काम कर रहा है, इट इज रनिंग अ सेपरेट यू नो मैन इन द मिडल टाइप थिंग इन द मिडल। तो आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं वो आपके ब्राउजर से तो निकलती हैं, बट वो ज़ैप के पास जाती है या फिर बर्ब सूट के पास जाती है अगर आप बर्ब सूट यूज कर रहे हो तो, और उसमें जाके उसको वो उसको एडिट करना चाहो एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो और फिर सर्वर पे भेज सकते हो। तो अगर क्या होता है ना कि अगर हम लोग हमारे ब्राउजर पे हैं किसी जगह पे, हम लोग को अलाउड ही नहीं है कि हम लोग जो है मान लो हम लोग जावास्क्रिप्ट वहाँ पर रन हो रही है, आपने ट्राई किया कि मैं एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि हम लोग कोई लॉगिन करना चाह रहे हैं, कहीं पर कोई अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे जो अपना फोन नंबर लिखो, आप यहाँ अगर कोई कैरेक्टर लिखने की कोशिश करोगे तो वो बोलेगा कि नहीं प्लीज एंटर अ वैलिड कैरेक्टर, नंबर्स बोला खाली, तो आप खाली नंबर एंटर कर सकते हो, तो वहाँ पे आपका ब्राउजर आपको रोक रहा है क्योंकि ब्राउजर में एक जावास्क्रिप्ट रन हो रही है जो कि फिल्टर कर रही है कि अगर आप नंबर्स के अलावा कोई भी एंट्री करोगे उसको नहीं लेगा, एंटर ही नहीं करने देगा आपको, राइट? तो हम उस चीज़ को जो है इवेट कैसे करते हैं, हम ऐसे टूल्स यूज करते हैं जैसे OBASP हो गया या बर्ब सूट हो गया। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग ब्राउजर पे हमने वो चीज़ एंट्री करी और हम लोग उसको सेंड करते हैं तो वो सीधा पहले इसको इंटरसेप्ट करता है, हमारा बर्ब सूट हो गया, ज़ैप हो गया, इंटरसेप्ट करके अब यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रन नहीं हो रही, अल्टीमेटली सारी जो है गेट रिक्वेस्ट हो रही है, पोस्ट रिक्वेस्ट हो रही है, इस टाइप की रिक्वेस्ट जाती है, राइट? तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रन नहीं हो रही है, यहाँ पे हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग उस पर अटैक्स बना सकते हैं हमारे। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ से हमारा एक मैनुअल एक्सप्लोर खोल लेते हैं और अगर कोई वेबसाइट का लिखते हैं जो हम लोग को एक्सप्लोर करना है, लेट्स से राइट, तो हम लोग लॉन्च ब्राउजर कर देंगे इसी वेबसाइट को एक्सप्लोर करने के लिए, तो ये फायरफॉक्स में खोलेगा, अगर कोई और ब्राउजर सेलेक्टेड हो तो उसमें खोल देता,
तो ये बेसिकली प्रॉक्सी के थ्रू चल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना ये साइन बना हुआ है, तो प्रॉक्सी के थ्रू चल रहा है। तो जो भी हम लोग यहाँ से डेटा जो ट्रांसमिट करेंगे, मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ, गदर जो आ रही है सेकंड पार्ट आ रहा है इसका, मैंने सुना था कि मैंने सर्च किया राइट, यहाँ पे तो रिजल्ट खुल गए, बट बैकग्राउंड में यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि ये सारी रिक्वेस्ट गई है हमारे ब्राउजर से। हम लोग हर एक रिक्वेस्ट को देख सकते हैं कि क्या टू एंड फ्रो जा रहा है, क्या डेटा ट्रांसमिट हो रहा है राइट, उसका एक्चुअल जो बैकग्राउंड में कोड चल रहा है। अब यहाँ पे जैसे इवेंट टाइप ये सब चीज चल रही है, स्क्रॉल करके देखेंगे एक्चुअली हमारी गेट रिक्वेस्ट थी वो कहाँ पे है, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। रिक्वेस्ट क्या है, रिस्पांस क्या है, और इसमें हम लोग बेसिकली आपको सारी चीजें दिख रही हैं क्या क्या इसमें चीजें एक्सचेंज हुई हैं। और हम लोग एक भी सर्च करते हैं तो उसमें ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही पेज लोड होता है, उसमें कई सारी चीजें स्क्रिप्ट रन होती है। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के टाइम पे हम लोग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टाइम पे या हैकिंग के टाइम पे हम लोग ये सारे हेडर्स को देखेंगे खोल खोल के कि अच्छा ये रिक्वेस्ट है ये गई है यहाँ से, और ये बेसिकली तो रिस्पॉन्स है। हम लोग देख रहे हैं कि फिल्टर क्या है कि ये रिक्वेस्ट गई थी हमारे साइड से, कॉम्पोनेंट कोर टाइप वर्जन ओके, जितने भी हमारे हेडर्स थे। तो इनमें से हम लोग ढूंढते हैं किस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई करके हम लोग उसका कैसे फायदा उठा सकते हैं राइट। तो ये हम लोग उसका बैकग्राउंड दिखा देता है उस चीज़ का, अगर हम लोग ज़ैप यूज करें ज़ैप में दिख जाएगा। और जैसे मैंने शुरू में बात करी थी ब्रूट फोर्स की, तो यहाँ पर हम लोग रिपीटर भी कर सकते हैं कि अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर चीज़ रिपीट करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लॉग इन एक सर्च किया था कुछ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं रिपीट करूँ बट डिक्शनरी अटैक कर दूँ साथ में, कि एक पर्टिकुलर फील्ड जो थी जैसे इसमें होड है, मैं इसको मार्क कर दूं कि यार इसके ऊपर फर्ज करो तुम, जितनी बार भी तुम मतलब ये रिक्वेस्ट भेजी गई है, मेरे को नहीं पता किसी से रिक्वेस्ट है अभी, मैं इसमें इतना डेप्थ में नहीं गया हूँ कि एनालाइज नहीं किया कि क्या कोड चल रहा है, बट मैं इसको फर्ज कर सकता हूँ। या फिर अगर जैसे बर्ब सूट हो, वहाँ पर रिपीटर का काम होता है, उसमें क्या होगा कि ये फर्ज करेगा, यानी कि मैं इस पूरी रिक्वेस्ट में सिर्फ ये जो एच यू डी वाली जो चीज़ है इसको मॉडिफाई करूंगा, यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा कि क्या पेलोड चाहिए मेरे को, क्या चाहे डिक्शनरी डाल दूँ, चाहे मैं इसमें वर्ड्स डाल दूँ, और वो क्या करेगा फिर इस जगह पे उसको रिप्लेस कर करके, चाहे इसमें 1, 2, 3, ABC सब कुछ ट्राई करता रहेगा हिट एंड ट्राई, दैट विल बी माय ब्रूट फोर्स अटैक। एंड अगर कोई लॉगिन वाला पेज में एक्सेस कर रहा हूँ तो उसमें वो लॉगिन करने के लिए सारी चीज़ें अटैक करके देख लेगा। अब ये चीज़ मैं नॉर्मल वेबसाइट से नहीं कर सकता कि मुझे ब्लॉक कर दिया जाएगा राइट, बट यहाँ पे वो एक अलग अलग रिक्वेस्ट खुद से भेज रहा है साइमल्टेनियसली। और अगेन वेबसाइट में लोड करने में टाइम भी लगता है, यहाँ पर टाइम भी नहीं लगेगा ज़्यादा, क्योंकि ये तुरंत ही बहुत सारे भेजना शुरू कर देगा क्योंकि ये ऑटोमेटेड है। यहाँ पे मशीन हम लोग बार बार टाइप नहीं करना पड़ा, कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करना पड़ रहा, और क्योंकि डिक्शनरी अटैक करते हैं तो आपको हर चीज़ कॉपी पेस्ट करनी पड़ती है, यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। तो ये एक ये भी हम लोग इसमें ब्रूट फोर्स वाला काम भी कर लेते हैं कई बार, कि मॉडिफाई करके देखें कि कौन सी चीज़ काम कर जाए, नॉट जस्ट फॉर हमारे यूजर नेम पासवर्ड, सिर्फ उस चीज़ के लिए काम नहीं होता है अटैक। हम लोग को कई बार ऐसे सब डोमेन से डोमेन नेम्स भी निकालने होते हैं जिसमें जो कि शायद विजिबल ना हो, जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि गूगल जब डॉकिंग कर रहे हैं कुछ ऐसे वेब पेजेस हम लोगों को मिल जाते हैं जो कि नॉर्मली हम लोगों को विजिबल नहीं होने चाहिए राइट, सम पेजेस आर सपोज्ड टू बी हिडन। सो किसी एड्रेस पे तो वो लोकेटेड होते होंगे ना, मान लो अगर कोई वेबसाइट होगी admin.something.com, तो वो वेब पेज शायद सबको ना विजिबल हो बट किसी को तो एक्सेस करना होता होगा, एडमिनिस्ट्रेटर वहां से एडमिनिस्ट्रेशन करता होगा ना, तो उस वेब पेज को ढूंढने के लिए हम लोग ब्रूट फोर्स भी यूज करते हैं, कि हम लोग URL को ही ब्रूट फोर्स करके देखेंगे इसमें हिडन ट्राई की इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग कोई ऐसा डोमेन ऐसा वेब पेज मिल जाए जो कि कुछ जूसी इन्फॉर्मेशन के साथ आता हो राइट। तो ये था हमारा स्कैनिंग वाला स्कैनिंग, और इनफैक्ट मैंने आगे भी चीजें डिस्कस करी इसके साथ। गेनिंग एक्सेस दिस फेज इज वेयर एन अटैकर ब्रेक्स इनटू द सिस्टम एंड नेटवर्क यूजिंग वेरियस टूल्स और मेथड्स। आफ्टर एंटरिंग इनटू द सिस्टम ही हैज टू इंक्रीज हिज प्रिविलेज टू एडमिनिस्ट्रेटर लेवल। बेसिकली आप चाह रहे हो कि आपने किसी सिस्टम पे एक्सेस ले लिया है, आपने अटैक कर दिया, अब चाहे मैंने फिशिंग के थ्रू किया हो, चाहे अब मेटास्प्लॉइट भी एक चीज होती है। मेटास्प्लॉइट क्या है, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टूल्स यूज्ड टू गेन एक्सेस, सर्च इंजीनियरिंग इज अ वाइडली यूज्ड अटैक टू एक्सप्लॉइट टारगेट। मेटास्प्लॉइट में क्या है, आपके जितने भी आपके पेलोड्स होते हैं, जो हम लोगों ने वायरस की बात करी थी या कोई ऐसे ट्रोजन हॉर्स की बात करी थी, इस टाइप के जितने भी आपके पेलोड्स बनते हैं ना, वो आप मेटास्प्लॉइट से बना सकते हैं, उनको डिलीवर कर सकते हो। बेसिकली जो आपने वल्नरेबिलिटीज तक फाइंड आउट की हैं, मैंने अगर कोई एनमैप स्कैन रन किया है, मुझे पता चला कि अच्छा iTunes का ये वाला वर्जन रन हो रहा है, उस वर्जन के ऊपर क्या एक्सप्लॉइट कर सकता हूं मैं, वो मैं मेटास्प्लॉइट के थ्रू कर सकता हूं। तो हम लोग गेनिंग एक्सेस में ये सब जो भी हमने फाइंड आउट किया था रिकॉनिसेंस में, उसको हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर आता है मेंटेनिंग एक्सेस। ऑब्वियसली हमने अगर एक्सेस बना ली है तो आपको उसको मेंटेन करना भी जरूरी है, बिकॉज इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग योर एक्सेस देन
आपको सारे स्टेप्स दोबारा से करने पड़ेंगे, विच इज गोइंग टू बी टीडियस, एंड हो सकता है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल चेंज हो जाए तो आपको दोबारा से एंट्री ना मिले. तो बैकडोर बनाना या इस टाइप का कुछ करना जरूरी है. दिस कैन बी डन यूजिंग ट्रोजन्स. आपको जो है ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके चले जाओ जो उसको पता भी ना चले कि जो है एक वायरस है, उसको लगेगा जनरल सॉफ्टवेयर है तो उसको छेड़ेगा भी नहीं. रूट किट होती है जो कि ट्राई करती है कि आपके रूट लेवल पे जाके काम करें, तो एक नॉर्मल यूजर उसको चेंज भी नहीं कर पाएगा अगर उसने कोई प्रोसेस को चेंज कर दिया तो रूट किट के थ्रू या कोई और मेलिशियस फाइल. बेसिकली आप चाह रहे हो एक बैकडोर एंट्री मिल जाए दोबारा से एक्सेस लेने के लिए. फिर है क्लियरिंग ट्रैक्स. लास्ट वीक ऑफ एथिकल हैकिंग रिक्वायर्स हैकर्स टू क्लियर देयर ट्रैक्स सो दैट अटैकर वांट्स नो, मतलब बेसिकली कोई पकड़ा ना जाए. आप ट्रैक्स क्लियर कर दो, लॉग फाइल्स को क्लियर कर दो ताकि आपका जो ट्रेस है वो ना आए, फोरेंसिक्स में आपका नाम ना पाए. इट इंक्लूड्स एडिटिंग, करप्टिंग और डिलीटिंग लॉग्स और रजिस्ट्री वैल्यूज. वेज ऑफ क्लियरिंग ट्रैक, अगर आप ट्रैक्स क्लियर करने की बात करो तो यूजिंग रिवर्स HTTP शेल्स, राइट. अब जैसे अभी मैं FTP वाला खोला था तो मेरे पास शेल एक्सेस आ गया था उस सर्वर का, तो मैं वहाँ से जो है फाइल्स लिस्ट कर सकता हूँ, मैं कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता था, मैं वहाँ पे जाके लॉग फाइल्स को भी छेड़ सकता था. तो दैट वॉज अ रिवर्स शेल दैट वॉज आई वॉज यूजिंग वाया माई टर्मिनल. अब मैं इसको चाहे ब्राउजर से करूँ वो सब करूँ तो HTTP के थ्रू हो रहा है. डिलीटिंग केज एंड हिस्ट्री टू इरेज अ डिजिटल फुटप्रिंट या फिर यूजिंग ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल टनल्स. अब जैसे मैंने आपको पिंग बताया था, एक वो हो गया, या इसके अलावा और भी ऐसे मैसेजेस होते हैं जिसमें बॉम्बार्डमेंट करके या कुछ ऐसे उसमें मेलिशियस कोड इंसर्ट करके जो कि जिसको रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा सिस्टम को. अब जैसे हम लोग ARP करते हैं, ARP यानी कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, मैं अपने नेटवर्क पर कर रहा हूँ तो उससे क्या होगा कि मेरे राउटर को बताना पड़ेगा कि कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं. अब अगर मैं कोई ऐसे कमांड भेजूँ जैसे कि ARP का फ्लश कमांड होता है, तो वो क्या करेगा, जितने भी सारे उनके डिवाइसेस कनेक्टेड थे उसकी इन्फॉर्मेशन को फ्लश कर देगा, राइट. तो फ्लश करने से क्या हो गया कि जो भी अगर मैं कनेक्टेड था नेटवर्क से कभी, वो उसके लॉग से हट जाएगा, उसको फ्रेश करना पड़ेगा तब तक मैं नेटवर्क से जा चुका हूँगा, राइट. तो दिस वॉज जस्ट वन एग्जाम्पल. नाउ स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ सर्टिफाइड एथिकल हैकर, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. कंप्यूटर स्किल्स यानी कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह पता होने चाहिए. एक ऑपरेटिंग सिस्टम से काम नहीं चलेगा, आपको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी होना जरूरी है. फिर टेक्स सैवी स्किल्स. अब टेक्स सैवी का मतलब ये नहीं है कि मेरे को जो है सारे हाईटेक चीज़ें पता है कि वॉच कैसे काम करती है, ये कैसे काम करता है, एंड आपका जो है बेसिकली आपको एक कंफर्टेबल होना चाहिए कि मैं क्रॉस प्लेटफॉर्म काम कर सकता हूँ, कैसे क्या चीज़ करनी है, थोड़ा एक बेसिक बेटर अच्छा आइडिया होना चाहिए मेरे को. प्रोग्रामिंग स्किल्स होती है कि मुझे लैंग्वेज आनी चाहिए और टेक्निकल स्किल्स. और टेक्निकल स्किल्स का मतलब ये है कि मेरे को हार्डवेयर वगैरह के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए. एंड एज आई सेड इन द बिगिनिंग, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें आती हूँ. आप एक निश बना सकते हो अपना कि अच्छा मैं फ्रंट एंड को अच्छे से टैकल कर सकता हूँ, या मैं सर्वर्स के साथ अच्छे से टैकल कर सकता हूँ बैक एंड पे जाके, या मुझे SQL अच्छे से आता है, या मुझे एक पर्टिकुलर टाइप के अटैक्स आते हैं, राइट. आप वहाँ से शुरू कर सकते हो. और अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट्स को अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ती है विद स्पेशलिटी. तो जरूरी नहीं कि आपको सारे स्किल्स आते हो, आपको जो स्किल आता है उसको पॉलिश करके आगे अच्छा कर सकते हो और उसी में आगे एक्सप्लोर कर सकते हो. ऑब्वियसली अगर आप उसमें अपने स्किल्स के अंदर और फर्दर्स ऐड करते जाओगे, इट विल बी गुड फॉर योर करियर एंड योर ग्रोथ. बात करें एथिकल हैकिंग करियर स्कोप की, तो एज पर करंट स्टैटिस्टिक्स वी हैव ओनली 32% ऑफ पीपल इन द IT हु आर प्रोफेशनली स्किल्ड इन फाइटिंग अगेंस्ट साइबर अटैक्स. ये काफी एक कम नंबर है मेरे हिसाब से कि जो है काफी लोगों को नॉलेज नहीं होती टेक्निकल स्किल्स के बारे में, और टेक्निकल ना तो उनके पास जो है स्किल्स होते ना सर्टिफिकेशन होती ना नॉलेज होता. लोग जनरली सिस्टम्स ले लेते हैं, उनको यूज़ करना नहीं समझते, उनको खाली बेसिक होता है ना कि खाली एक्सेल में एंट्री कर रहे हैं बैठ के, तो उस चीज़ की वजह से लोग एक्सप्लॉइट कर पाते हैं, डेटा ब्रीचेस होते हैं और वो सब होता है. तो खाली 32% पीपल है जो कि इन द प्रोफेशन स्किल्ड है साइबर सिक्योरिटी में ये अटैक्स अगेंस्ट फाइट करने के लिए. सीइंग द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द डिजिटल इकोनॉमी, वी कैन सी दैट द फील्ड ऑफ एथिकल हैकिंग इज ऑल्सो गोइंग टू एक्सपैंड एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल रिक्वायर हाईली स्किल्ड एथिकल हैकर्स टू इंश्योर ग्रेटर सिक्योरिटी ऑफ क्रिटिकल डेटा एंड सिस्टम्स. और कुछ प्रोफेशंस की बात करूं जो कि इस एथिकल हैकिंग से निकल के आते हैं, अभी तक हम लोग खाली कुछ टूल्स देखे हैं, कुछ एथिकल हैकिंग के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, और एक ओवरव्यू लेने की कोशिश की है. बेसिकली अभी हम लोग किसी भी चीज़ में ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए हैं कि किस चीज़ को अगर कोई टूल यूज़ कर रहे हैं तो टूल में हम लोगों ने क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ किया है, किसी भी चीज़ को हमने इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं एक्सप्लोर किया है. ये है हमारा कॉमन करियर इन एथिकल हैकिंग, क्या क्या जॉब टॉप जॉब टाइटल्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो जैसे पेनिट्रेशन टेस्टर है, वल्नरेबिलिटी असेसर है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट है, सिक्योरिटी एनालिस्ट है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर काफी प्रोमिनेंट है CEH की जो सर्टिफिकेशन है उसकी वजह से, कंसल्टेंट है, सिक्योरिटी इंजीनियर है, फिर आर्किटेक्ट है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर है, और
इन सबके में एक जो सिक्योरिटी आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो ना कि उसको सैलरी क्या मिलती होगी, तो हाईएस्ट जो जाती है, जैसे अगर आप सीएच की बात करो तो 40 लाख तक भी जाती है उसकी सैलरी, राइट। और इसके अलावा आपका जैसे ISM है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर है, दैट गोज अप टू 30 लाख, एंड दीज आर लाख पर एनम, राइट। सो काफी अच्छी इसमें सैलरीज भी मिलती हैं लोगों को, और ऐसा नहीं कि आप हमेशा इसमें रहोगे, देर आर हाईज एंड लोज, इसमें एवरेज सैलरी भी है, लो सैलरी भी है, वो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके स्किल्स क्या है, आपके सर्टिफिकेशन क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और आपका एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आप जो है काम करोगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। Also, guys, I would like to talk about our company, Fireshark. So we have multiple trained experienced experts with us who are working. We also work with trainers and certified experts with an experience of over a decade in this field. We've also collaborated with multiple companies. As you can see, this is our official website. So we provide services. As you can see, we've also written about the people who we have worked with. So these are the people who we've collaborated with. You can see NASA, Red Bull, Apple, and all. So along with that, we also provide services in network security, that is setting up VPNs, deploying firewalls. Also, we provide services in security services, which are securing your digital assets related to a company or your business. Along with that, malware protection, and as well as securing operation center, wherein advanced security tools are being used from our side to assess the threats which are there within the company. Along with that, we also provide services in emerging technologies such as SDN, which is also known as software-defined networking, which is an emerging tool where basically in a network, the data plane and the control planes are divided so that you can help in more efficient programming and working. Along with that, SDWAN, which is an employment of SDN in a wider area. So along with that, as you can see, there is a button over here for Academy. So this is the official Fireshark Academy website. So here, all different types of courses which are being offered by us are given over here. So some of the courses are free, and some have to be purchased. So after you log in or create your account and you enroll for the courses, you'll be guided to the course. So if I'm clicking on this Kali Linux course, so you can see this is a Hindi course. So different languages are also being offered, such as English or Hindi. So you'll be given the information about the course that we're offering. So what you will be exactly learning in that course, then what is the curriculum of the course, so how much time it will take and all. So I hope you all, if you want to learn about ethical hacking, etc., so there are different courses which we are providing. So you can go ahead to our website and enroll. Thank you. Thank you, Anushka. So if anybody has any questions or if they want to interact with us, so you could do that now.